हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 घोस्ट्स मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 5.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे वुडू ने 4.3 आउट ऑफ 5 रेटिंग दिया है और इसे 88% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, 13 घोस्ट, इस मूवी को ऑल्सो 13 घोस्ट के नाम से जाना जाता है और ये 2001 की सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है। इसे डायरेक्टिंग है स्टीव बिग, स्क्रीन प्ले दिए नील मार्शल स्टीवेंस, रिचर्ड डी ओविडियो और स्टोरी दिए हैं रॉब वाइट और यह मूवी बेस्ड है 13 घोस्ट जो कि रॉब वाइट की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं रॉबर्ट जेमेस्किस, जोल सिल्वर, गिलबर्ट एडलर और इस मूवी के स्टारिंग है टोनी सेलहॉब, एम्बेथ डेविडिच, मैथ्यू लिलार्ड, सैनन एलिजाबेथ राह डिगा, एफ मूरी अब्राहम और इस मूवी में स्क्रीन प्ले दिए हैं गैल टैट्रेशॉल और इस मूवी को एडिट किए डिर्क जी ब्रिचियन, एडवर्ड ए वॉर्चिल का और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जॉन फ्रिजेल और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स, कोलंबिया पिक्चर्स, डार्क कैस्टल इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स, यूनाइटेड स्टेट्स, कैनेडा, कोलंबिया, ट्री स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल और ये मूवी 26 अक्टूबर 2001 में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 91 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा की मूवी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बनी है और इसका बजट $42 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $68.5 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में टोनी सेलहॉब एज आर्थुर क्रिटिकोस के रोल में और एम्बेथ डेविडिच एज कैलिन ऑर्टिजा के रोल में और मैथ्यू लिलार्ड एज डेनिस रैफकिन के रोल में और सैनो एलिजाबेथ एज काथिया क्रिटिकोस के रोल में और एलिक रॉबर्ट्स एज बॉबी क्रिटिकोस के रोल में और राह डिगा एज मैगी बीज के रोल में और एफ मूरे अब्राहम एज साइरस क्रिटिकोस के रोल में और जे आर बॉर्नी एज बेन मोस के रोल में और मैथ्यू हैरिसन एज डेमन के रोल में और मिखेल स्पीडेल एज बिली माइकेल्स के रोल में और दी फर्स्ट बॉर्न सन के रोल में और डैनियल वेस्ले एज जिमी द गैम्बलर गैम्बिनो के रोल में, दी टोर्सो के रोल में और लॉरा मिनेल एज सुजैन एल ग्रो के रोल में और दी बाउंड वुमेन के रोल में और कैथरी एंडरसन एज जीन क्रिटिकोस, दी वीदर दर लवर के रोल में और क्रेज ऑलजिंक एज रोयका कैल क्लेटोन और दी ट्रोन प्रिंस के रोल में और स्वेन लॉयर एज डैना न्यूमैन के रोल में और दी एंग्री प्रिंसेस के रोल में और एक्सेंथ रैडली एज इसबेला स्मिथ और दी पिलग्रिमेज के रोल में और सी एर्नेस्ट एज हर्थ और हैरोल्ड सिल्बर्नी दी ग्रे ग्रेट चाइल्ड के रोल में और लॉरा सोफेर एज मार्गरेट सिल्बर्नी और दी डायर मदर के रोल में और हर्बर्ट डुंकैनसन एज जॉर्ज मार्कले और दी हैमर के रोल में और साइन वेलियर एज रैन कुहान और दी जैकेल के रोल में और जॉन दी साइंटिस्ट एज हॉरेक ब्रीकर मैनहोनी और दी टू ग्रैंटो के रोल में और केन क्रिंगजर एज स्टेशन स्टंट परफॉर्मर के रोल में। तो फ्रेंड्स, चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको 13 घोस्ट इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ, पूरी स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, घोस्ट हंटर साइरस क्रिटिकोस और उनके मानसिक सहायक डेनिस रफकिन एक टीम का नेतृत्व करते हैं जो जुगरनाट नामक एक आत्मा को पकड़ने के लिए एक मिशन पर है। साइरस सहित कई पुरुष मारे जाते हैं जबकि टीम भूत को पकड़ने में सक्षम होती है। साइरस के भतीजे आर्थर एक विधुर को साइरस के संपत्ति वकील बेनमांस द्वारा सूचित किया जाता है कि उसे साइरस की हवेली विरासत में मिली है। आर्थिक रूप से असुरक्षित आर्थर अपने दो बच्चों कैथी और बॉबी और उनके नानी मैंगी के साथ वहां जाने का फैसला करता है। जब वे हवेली का दौरा करते हैं तो डेनिस परिवार से मिलता है। निवास पूरी तरह से लैटिन वाक्यांशों के साथ खुदा हुआ कांच की चादर से बना है जिसे डेनिस बाधा मंत्र के रूप में पहचानता है। उसे पता चलता है कि उसने और साइरस पर कब्जा कर लिया। 12 क्रोधित भूत घर में कैद है, मंत्रों द्वारा बंदी बना लिया गया। जैसे कि वह आर्थर को चेतावनी देता है, मांस अनजाने में एक तंत्र का ट्रिगर करता है जो घर की सील कर देता है और भूतों को छोड़ देता है। वह मर जाता है जबकि स्लाइडिंग दरवाजों के एक सीट ने उसे आधा कर दिया। बॉबी कई भूतों को देखता है जिसमें मुरझाया हुआ प्रेमी भी शामिल है।
उसकी माँ जीन जो एक घर में आग लगाने से घायल हो गई थी उसे बेहोश कर घसीटा जाता है। डेनिस वर्कामी चश्मे की एक जोड़ी का उपयोग करता है जो पहनने वाले को भूत से बचने के लिए अलौकिक क्षेत्र को देखने की अनुमति देता है। सबसे खतरनाक भूत में से एक सियार कैथी और आर्थर पर हमला करता है, लेकिन उन्हें क्लीन और तियाज द्वारा बचा लिया जाता है जो एक आत्मा मुक्तिदाता है जो भूतों को मुक्त करने का प्रयास कर रही है। कैथी गायब हो जाती है और चार वयस्क पुस्तकालय में इकट्ठा होते हैं जहां आर्थर को पता चलता है कि जीन का भूत भी घर में है। क्लीन बताती है कि घर एक मशीन है जो बंदी भूतों द्वारा संचालित होती है जो अपने उपयोगकर्ता को भूत वर्तमान और भविष्य को देखने की अनुमति देती है। इसे बंद करने का एकमात्र तरीका प्रेम के बलिदान से 13वीं भूत का निर्माण करना है। आर्थर को पता चलता है कि उसे अपने बच्चों को बचाने के लिए भूत बनना होगा। वर्णक्रामी चश्मे से लैस आर्थर और डेनिस बच्चे को खोजने के लिए तहखाने में प्रवेश करते हैं। डेनिस ने आर्थर को अपनी सुरक्षा के लिए एक कांच की चादर के पीछे रोक दिया, लेकिन हैमर और जुगनाट दो अन्य खतरनाक भूतों ने पीट पीट कर मार डाला। यह पता चला है कि आर्थर को घर ले जाने के लिए साइरस ने अपनी मौत का नाटक किया था। क्लीना उसका साथी है। जब वह मैगी को एक बड़ी किताब के साथ बेहोश कर देती है और उसके आने पर तुरंत साइरस को चूम लेती है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको 13 घोस्ट्स इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियोस को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 घोस्ट्स मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 5.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे वुडू ने 4.3 आउट ऑफ 5 रेटिंग दिया है और इसे 88% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, 13 घोस्ट इस मूवी को ऑल्सो 13 घोस्ट के नाम से जाना जाता है और ये 2001 की सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है जिसे डायरेक्टिंग है स्टीव बीग, स्क्रीन प्ले दिए नील मार्शल स्टीवेंस, रिचर्ड डी ओविडियो और स्टोरी दिए हैं रॉब वाइट और यह मूवी बेस्ड है 13 घोस्ट जो कि रॉब वाइट की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं रॉबर्ट जेमेस्किस, जोल सिल्वर, गिलबर्ट एडलर और इस मूवी के स्टारिंग है टोनी सेल हॉब, एम्बेथ डेविडिज, मैथ्यू लीलार्ड, सैनोन एलिजाबेथ, राह डिगा, एफ मूरी अब्राहम और इस मूवी में स्क्रीन प्ले दिए हैं गैल टैटरेशॉल और इस मूवी को एडिट किए डिर्क जी ब्रिचेन, एडवर्ड ए वॉर्चिल का और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जॉन फ्रिजेल और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स, कोलंबिया पिक्चर्स, डार्क कैस्टल इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स, यूनाइटेड स्टेट्स, कैनेडा, कोलंबिया, ट्री स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल और ये मूवी 26 अक्टूबर 2001 में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 91 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा की मूवी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बनी है और इसका बजट $42 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $68.5 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में टोनी सालोहब एज आर्थुर क्रिटिकोस के रोल में और एम्बिथ डेविड्स एज कैलिन ऑर्टिजा के रोल में और मैथ्यू लीलार्ड एज डेनिस रैफकिन के रोल में और सैनो एलिजाबेथ एज काथिया क्रिटिकोस के रोल में और एलिक रॉबर्ट्स एज बॉबी क्रिटिकोस के रोल में और राह डिगा एज मैगी बीज के रोल में और एफ मूरे अब्राहम एज साइरस क्रिटिकोस के रोल में और जे आर बॉर्नी एज बेन मोस के रोल में और मैथ्यू हैरिसन एज डेमन के रोल में और मिखेल स्पीडेल एज बिली माइकेल्स के रोल में और द फर्स्ट बॉर्न सन के रोल में और डैनियल वेस्ले एज जिमी द गैम्बलर गैम्बिनो के रोल में, द टोर्सो के रोल में और लॉरा मिनेल एज सुजैन एल ग्रो के रोल में और द बाउंड वुमेन के रोल में और कैथरी एंडरसन एज जीन क्रिटिकोस, द वीदर दर लवर के रोल में और क्रेज ऑलजिंक एज रोयका कैल क्लेटोन और दी ट्रोन प्रिंस के रोल में और स्वेन लॉयर एज डैना न्यूमैन के रोल में और दी एंग्री प्रिंसेस के रोल में और एक्सेंथ रैडली एज इसबेला स्मिथ और दी पिलग्रिमेज के रोल में और सी एर्नेस्ट एज हर्थ और हैरोल्ड सिल्बर्नी द
ग्रेट चाइल्ड के रोल में, और लॉरा सोफेर एज मार्गरेट सिलबर्नी और दी डायर मदर के रोल में, और हर्बर्ट डुमकैनसन एज जॉर्ज मार्कले और दी हैमर के रोल में, और साइन वेलियर एज रैन कुहान और दी जैकेल के रोल में, और जॉन दी साइंटिस्ट एज हॉरेक ब्रीकर मैनहोनी और दी ट्यू ग्रैंड टू के रोल में, और केन क्रिंगजर एज स्टेशन स्टंट परफॉर्मर के रोल में। तो फ्रेंड्स चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैं आपको 13 घोस्ट इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ, पूरी स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स घोस्ट हंटर साइरस क्रिटिकोस और उनके मानसिक सहायक डेनिस रफकिन एक टीम का नेतृत्व करते हैं जो जुगरनाट नामक एक आत्मा को पकड़ने के लिए एक मिशन पर है। साइरस सहित कई पुरुष मारे जाते हैं जबकि टीम भूत को पकड़ने में सक्षम होती है। साइरस के भतीजे अर्थर एक विधुर को साइरस के संपत्ति वकील बेन मॉन्स द्वारा सूचित किया जाता है कि उसे साइरस की हवेली विरासत में मिली है। आर्थिक रूप से असुरक्षित आर्थर अपने दो बच्चों कैथी और बॉबी और उनकी नानी मैंगी के साथ वहां जाने का फैसला करता है। जब वे हवेली का दौरा करते हैं तो डेनिस परिवार से मिलता है। निवास पूरी तरह से लैटिन वाक्यांशों के साथ खुदा हुआ कांच की चादर से बना है जिसे डेनिस बाधा मंत्र के रूप में पहचानता है। उसे पता चलता है कि उसने और साइरस पर कब्जा कर लिया। 12 क्रोधित भूत घर में कैद है, मंत्रों द्वारा बंदी बना लिया गया। जैसे कि वह आर्थर को चेतावनी देता है, मॉस अनजाने में एक तंत्र का ट्रिगर करता है जो घर की सील कर देता है और भूतों को छोड़ देता है। वह मर जाता है जबकि स्लाइडिंग दरवाजों के एक सीट ने उसे आधा कर दिया। बॉबी कई भूतों को देखता है जिसमें मुरझाया हुआ प्रेमी भी शामिल है। उसकी माँ जीन जो एक घर में आग लगाने से घायल हो गई थी उसे बेहोश कर घसीटा जाता है। डेनिस वर्कामी चश्मे की एक जोड़ी का उपयोग करता है जो पहनने वाले को भूत से बचने के लिए अलौकिक क्षेत्र को देखने की अनुमति देता है। सबसे खतरनाक भूत में से एक सियार कैथी और आर्थर पर हमला करता है लेकिन उन्हें क्लीन और तियाज द्वारा बचा लिया जाता है जो एक आत्मा मुक्तिदाता है जो भूतों को मुक्त करने का प्रयास कर रही है। कैथी गायब हो जाती है और चोर व्यस्क पुस्तकालय में इकट्ठा होते हैं जहां आर्थर को पता चलता है कि जीन का भूत भी घर में है। क्लीन बताती है कि घर एक मशीन है जो बंदी भूतों द्वारा संचालित होती है जो अपने उपयोगकर्ता को भूत वर्तमान और भविष्य को देखने की अनुमति देती है। इसे बंद करने का एकमात्र तरीका प्रेम के बलिदान से 13वीं भूत का निर्माण करना है। आर्थर को पता चलता है कि उसे अपने बच्चों को बचाने के लिए भूत बनना होगा। वर्णक्रामी चश्मे से लैस आर्थर और डेनिस बच्चे को खोजने के लिए तहखाने में प्रवेश करते हैं। डेनिस ने आर्थर को अपनी सुरक्षा के लिए एक कांच की चादर के पीछे रोक दिया लेकिन हैमर और जुगनाट दो अन्य खतरनाक भूतों ने पीट पीट कर मार डाला। यह पता चला है कि आर्थर को घर ले जाने के लिए साइरस ने अपनी मौत का नाटक किया था। क्लीना उसका साथी है। जब वह मैगी को एक बड़ी किताब के साथ बेहोश कर देती है और उसके आने पर तुरंत साइरस को चूम लेती है। तो फ्रेंड्स आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको 13 घोस्ट्स इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियोस को देखते रहें। हे फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 घोस्ट्स मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स इस मूवी को IMDb ने 5.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे वुडू ने 4.3 आउट ऑफ 5 रेटिंग दिया है और इसे 88% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स 13 घोस्ट इस मूवी को ऑल्सो 13 घोस्ट के नाम से जाना जाता है और ये 2001 की सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है जिसे डायरेक्टिंग है स्टीव बिग, स्क्रीन प्ले दिए नील मार्शल स्टीवेंस, रिचर्ड डी ओविडियो और स्टोरी दिए हैं रॉब वाइट और यह मूवी बेस्ड है 13 घोस्ट जो कि रॉब वाइट की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं रॉबर्ट जेमेस्किस, जोल सिल्वर,
गिलबर्ट एडलर, और इस मूवी के स्टारिंग है टोनी सेलहॉब, एम्बेथ डेविड टिच, मैथ्यू लिलार्ड, सैनोन एलिजाबेथ, राह डिगा, एफ मूरी अब्राहम। और इस मूवी में स्क्रीन प्ले दी है गैल टैट्रेशॉल, और इस मूवी को एडिट किए डिर्क जी ब्रिचियन, एडवर्ड ए वॉर्चिल का। और इस मूवी में म्यूजिक दी है जॉन फ्रिजेल, और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स, कोलम्बिया पिक्चर्स, डार्क कैस्टल इंटरटेनमेंट। और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स, यूनाइटेड स्टेट्स, कैनेडा, कोलम्बिया, ट्री स्टार फिल्म, डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल इंटरनेशनल। और ये मूवी 26 अक्टूबर 2001 में रिलीज़ हुई, और इसका रनिंग टाइम रहा 91 मिनट्स। और ये यूनाइटेड स्टेट्स और कैनेडा की मूवी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बनी है, और इसका बजट $42 मिलियन रहा, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $68.5 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में टोनी सेलहॉब एज आर्थुर क्रिटिकोस के रोल में, और एम्बेथ डेविड एज कैलिन ऑर्टिजा के रोल में, और मैथ्यू लिलार्ड एज डेनिस रैफकिन के रोल में, और सैनो एलिजाबेथ एज काथिया क्रिटिकोस के रोल में, और एलिक रॉबर्ट्स एज बॉबी क्रिटिकोस के रोल में, और राह डिगा एज मैगी बीज के रोल में, और एफ मूरे अब्राहम एज साइरस क्रिटिकोस के रोल में, और जे आर बॉर्नी एज बेन मोस के रोल में, और मैथ्यू हैरिसन एज डेमन के रोल में, और मिखेल स्पीडेल एज बिली माइकेल्स के रोल में, और दी फर्स्ट बॉर्न सन के रोल में, और डैनियल वेस्ले एज जिमी द गैम्बलर गैम्बिनो के रोल में, दी टोर्सो के रोल में, और लॉरा मिनेल एज सुजैन एल ग्रो के रोल में, और दी बाउंड वुमेन के रोल में, और कैथरी एंडरसन एज जीन क्रिटिकोस, दी वीदर दर लवर के रोल में, और क्रेज ऑलजिंक एज रोएका कैल क्लेटोन, और दी ट्रोन प्रिंस के रोल में, और स्वेन लॉयर एज डैना न्यूमैन के रोल में, और दी एंग्री प्रिंसेस के रोल में, और एक्सेंथ रैडली एज इसबेला स्मिथ, और दी पिलग्रिमेज के रोल में, और सी एर्नेस्ट एज हार्थ, और हैरोल्ड सिलबर्नी द ग्रे ग्रेट चाइल्ड के रोल में, और लॉरा सोफेर एज मार्गरेट सिलबर्नी, और दी डायर मदर के रोल में, और हर्बर्ट डुंकैनसन एज जॉर्ज मार्कले, और दी हैमर के रोल में, और साइन वेलियर एज रैन कुहान, और दी जैकेल के रोल में, और जॉन दी साइंटिस्ट एज हॉरेक ब्रीकर मैनहोनी, और दी टू ग्रैंटो के रोल में, और केन क्रिंगजर एज स्टेशन स्टंट परफॉर्मर के रोल में। तो फ्रेंड्स, चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको 13 घोस्ट इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ, पूरी स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, घोस्ट हंटर साइरस क्रिटिकोस और उनके मानसिक सहायक डेनिस रफकिन एक टीम का नेतृत्व करते हैं जो जुगरनाट नामक एक आत्मा को पकड़ने के लिए एक मिशन पर है। साइरस सहित कई पुरुष मारे जाते हैं जबकि टीम भूत को पकड़ने में सक्षम होती है। साइरस के भतीजे आर्थर एक विधुर को साइरस के संपत्ति वकील बेनमांस द्वारा सूचित किया जाता है कि उसे साइरस की हवेली विरासत में मिली है। आर्थिक रूप से असुरक्षित आर्थर अपने दो बच्चों कैथी और बॉबी और उनके नानी मैंगी के साथ वहां जाने का फैसला करता है। जब वे हवेली का दौरा करते हैं तो डेनिस परिवार से मिलता है। निवास पूरी तरह से लैटिन वाक्यांशों के साथ खुदा हुआ कांच की चादर से बना है, जिसे डेनिस बाधा मंत्र के रूप में पहचानता है। उसे पता चलता है कि उसने और साइरस पर कब्जा कर लिया। 12 क्रोधित भूत घर में कैद है, मंत्रों द्वारा बंदी बना लिया गया। जैसे कि वह आर्थर को चेतावनी देता है, मांस अनजाने में एक तंत्र का ट्रिगर करता है जो घर की सील कर देता है और भूतों को छोड़ देता है। वह मर जाता है जबकि स्लाइडिंग दरवाजों के एक सीट ने उसे आधा कर दिया। बॉबी कई भूतों को देखता है जिसमें मुरझाया हुआ प्रेमी भी शामिल है। उसकी माँ जीन, जो एक घर में आग लगाने से घायल हो गई थी, उसे बेहोश कर घसीटा जाता है। डेनिस वर्क्रामी चश्मे की एक जोड़ी का उपयोग करता है जो पहनने वाले को भूत से बचने के लिए अलौकिक क्षेत्र को देखने की अनुमति देता है। सबसे खतरनाक भूत में से एक सियार कैथी और आर्थर पर हमला करता है, लेकिन उन्हें क्लीन और तियाज द्वारा बचा लिया जाता है, जो एक आत्मा मुक्तिदाता है जो भूतों को मुक्त करने का प्रयास कर रही है। कैथी गायब हो जाती है और चार वयस्क पुस्तकालय में इकट्ठा होते
है, जहां आर्थर को पता चलता है कि जीन का भूत भी घर में है। क्लिन बताती है कि घर एक मशीन है जो बंदी भूतों द्वारा संचालित होती है, जो अपने उपयोगकर्ता को भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने की अनुमति देती है। इसे बंद करने का एकमात्र तरीका प्रेम के बलिदान से 13वीं भूत का निर्माण करना है। आर्थर को पता चलता है कि उसे अपने बच्चों को बचाने के लिए भूत बनना होगा। वर्णक्रामी चश्मे से लैस आर्थर और डेनिस बच्चे को खोजने के लिए तहखाने में प्रवेश करते हैं। डेनिस ने आर्थर को अपनी सुरक्षा के लिए एक कांच की चादर के पीछे रोक दिया, लेकिन हैमर और जुगनाट दो अन्य खतरनाक भूतों ने पीट पीट कर मार डाला। यह पता चला है कि आर्थर को घर ले जाने के लिए साइरस ने अपनी मौत का नाटक किया था। क्लीना उसका साथी है। जब वह मैगी को एक बड़ी किताब के साथ बेहोश कर देती है और उसके आने पर तुरंत साइरस को चूम लेती है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको 13 घोस्ट्स इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियोस को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 घोस्ट्स मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 5.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे वुडू ने 4.3 आउट ऑफ 5 रेटिंग दिया है और इसे 88% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, 13 घोस्ट, इस मूवी को ऑल्सो 13 घोस्ट के नाम से जाना जाता है और ये 2001 की सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है, जिसे डायरेक्टिंग है स्टीव बीग, स्क्रीन प्ले दिए नील मार्शल स्टीवेंस, रिचर्ड डी ओविडियो और स्टोरी दिए हैं रॉब वाइट, और यह मूवी बेस्ड है 13 घोस्ट जो कि रॉब वाइट की है, और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं रॉबर्ट जेमेस्किस, जोल सिल्वर, गिलबर्ट एडलर, और इस मूवी के स्टारिंग है टोनी सेल हॉब, एम्बेथ डेविडिच, मैथ्यू लीलार्ड, सैनोन एलिजाबेथ, राह डिगा, एफ मूरी अब्राहम, और इस मूवी में स्क्रीन प्ले दिए हैं गैल टैट्रेशॉल, और इस मूवी को एडिट किए डिर्क जी ब्रिचेन, एडवर्ड ए वॉर्शील का, और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जॉन फ्रिजेल, और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स, कोलंबिया पिक्चर्स, डार्क कैस्टल इंटरटेनमेंट, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स, यूनाइटेड स्टेट्स, कैनेडा, कोलंबिया, ट्री स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल, और ये मूवी 26 अक्टूबर 2001 में रिलीज़ हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 91 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा की मूवी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बनी है, और इसका बजट $42 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $68.5 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में टोनी सालोहब एज आर्थुर क्रिटिकोस के रोल में, और एम्बिथ डेविड्स एज कैलिन ऑर्टिजा के रोल में, और मैथ्यू लीलार्ड एज डेनिस रैफकिन के रोल में, और सैनो एलिजाबेथ एज काथिया क्रिटिकोस के रोल में, और एलिक रॉबर्ट्स एज बॉबी क्रिटिकोस के रोल में, और राह डिगा एज मैगी बीज के रोल में, और एफ मूरे अब्राहम एज साइरस क्रिटिकोस के रोल में, और जे आर बॉर्नी एज बेन मोस के रोल में, और मैथ्यू हैरिसन एज डेमन के रोल में, और मिखेल स्पीडेल एज बिली माइकेल्स के रोल में, और द फर्स्ट बॉर्न सन के रोल में, और डैनियल वेस्ले एज जिमी द गैम्बलर गैम्बिनो के रोल में, द टोर्सो के रोल में, और लॉरा मिनेल एज सुजैन एल ग्रो के रोल में, और द बाउंड वुमेन के रोल में, और कैथरी एंडरसन एज जीन क्रिटिकोस द वीदर दर लवर के रोल में, और क्रेज ऑलजिंक एज रोएका कैल क्लेटोन और दी ट्रोन प्रिंस के रोल में, और स्वेन लॉयर एज डैना न्यूमैन के रोल में और दी एंग्री प्रिंसेस के रोल में, और एक्सथेंथ रैडली एज इसबेला स्मिथ और दी पिलग्रिमेज के रोल में, और सी एर्नेस्ट एज हर्थ और हैरोल्ड सिल्बर्नी द ग्रेट चाइल्ड के रोल में, और लॉरा सोफेर एज मार्गरेट सिल्बर्नी और दी डायर मदर के रोल में, और हर्बर्ट डुमकैनसन एज जॉर्ज मार्कले और दी हैमर के रोल में, और साइन वेलियर एज रैन कुहान और दी जैकेल के रोल में, और जॉन दी साइंटिस्ट एज हॉरेक ब्रीकर मैनहोनी और दी ट्यू ग्रैंटो के रोल में, और केन क्रिंगजर एज स्टेशन स्टंट परफॉर्मर के रोल में। तो फ्रेंड्स, चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको 13 घोस्ट इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ।
पूरी स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, घोस्ट हंटर साइरस क्रिटिकोस और उनके मानसिक सहायक डेनिस रफकिन एक टीम का नेतृत्व करते हैं जो जुगरनाट नामक एक आत्मा को पकड़ने के लिए एक मिशन पर है। साइरस सहित कई पुरुष मारे जाते हैं जबकि टीम भूत को पकड़ने में सक्षम होती है। साइरस के भतीजे आर्थर एक विधुर को साइरस के संपत्ति वकील बेन मॉन्स द्वारा सूचित किया जाता है कि उसे साइरस की हवेली विरासत में मिली है। आर्थिक रूप से असुरक्षित आर्थर अपने दो बच्चों कैथी और बॉबी और उनकी नानी मैंगी के साथ वहां जाने का फैसला करता है। जब वे हवेली का दौरा करते हैं तो डेनिस परिवार से मिलता है। निवास पूरी तरह से लैटिन वाक्यांशों के साथ खुदा हुआ कांच की चादर से बना है जिसे डेनिस बाधा मंत्र के रूप में पहचानता है। उसे पता चलता है कि उसने और साइरस पर कब्जा कर लिया। 12 क्रोधित भूत घर में कैद है, मंत्रों द्वारा बंदी बना लिया गया। जैसे कि वह आर्थर को चेतावनी देता है, मॉस अनजाने में एक तंत्र का ट्रिगर करता है जो घर की सील कर देता है और भूतों को छोड़ देता है। वह मर जाता है जबकि स्लाइडिंग दरवाजों के एक सीट ने उसे आधा कर दिया। बॉबी कई भूतों को देखता है जिसमें मुरझाया हुआ प्रेमी भी शामिल है। उसकी माँ जीन जो एक घर में आग लगाने से घायल हो गई थी उसे बेहोश कर घसीटा जाता है। डेनिस वर्क्रामी चश्मे की एक जोड़ी का उपयोग करता है जो पहनने वाले को भूत से बचने के लिए अलौकिक क्षेत्र को देखने की अनुमति देता है। सबसे खतरनाक भूत में से एक सियार कैथी और आर्थर पर हमला करता है लेकिन उन्हें क्लीन और तियाज द्वारा बचा लिया जाता है जो एक आत्मा मुक्तिदाता है जो भूतों को मुक्त करने का प्रयास कर रही है। कैथी गायब हो जाती है और चार वयस्क पुस्तकालय में इकट्ठा होते हैं जहां आर्थर को पता चलता है कि जीन का भूत भी घर में है। क्लीन बताती है कि घर एक मशीन है जो बंदी भूतों द्वारा संचालित होती है जो अपने उपयोगकर्ता को भूत वर्तमान और भविष्य को देखने की अनुमति देती है। इसे बंद करने का एकमात्र तरीका प्रेम के बलिदान से 13वीं भूत का निर्माण करना है। आर्थर को पता चलता है कि उसे अपने बच्चों को बचाने के लिए भूत बनना होगा। वर्णक्रामी चश्मे से लैस आर्थर और डेनिस बच्चे को खोजने के लिए तहखाने में प्रवेश करते हैं। डेनिस ने आर्थर को अपनी सुरक्षा के लिए एक कांच की चादर के पीछे रोक दिया लेकिन हैमर और जुगनाट दो अन्य खतरनाक भूतों ने पीट पीट कर मार डाला। यह पता चला है कि आर्थर को घर ले जाने के लिए साइरस ने अपनी मौत का नाटक किया था। क्लीना उसका साथी है। जब वह मैगी को एक बड़ी किताब के साथ बेहोश कर देती है और उसके आने पर तुरंत साइरस को चूम लेती है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको 13 घोस्ट्स इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियोस को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 घोस्ट्स मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 5.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे वुडू ने 4.3 आउट ऑफ 5 रेटिंग दिया है और इसे 88% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, 13 घोस्ट इस मूवी को ऑल्सो 13 घोस्ट के नाम से जाना जाता है और ये 2001 की सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है जिसे डायरेक्टिंग है स्टीव बिग, स्क्रीन प्ले दिए नील मार्शल स्टीवेंस, रिचर्ड डी ओविडियो और स्टोरी दिए हैं रॉब वाइट और यह मूवी बेस्ड है 13 घोस्ट जो कि रॉब वाइट की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं रॉबर्ट जेमेस्किस, जोल सिल्वर, गिलबर्ट एडलर और इस मूवी के स्टारिंग है टोनी सेलहॉब, एम्बेथ डेविडिच, मैथ्यू लिलार्ड, सैनन एलिजाबेथ, राह डिगा, एफ मूरी अब्राहम और इस मूवी में स्क्रीन प्ले दिए हैं गैल टैट्रेशॉल और इस मूवी को एडिट किए डिर्क जी ब्रिचियन, एडवर्ड ए वॉर्चिल का और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जॉन फ्रिजेल और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स, कोलंबिया पिक्चर्स, डार्क कैस्टल इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स, यूनाइटेड स्टेट्स, कैनेडा, कोलंबिया, ट्री स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल और ये मूवी 26 अक्टूबर 2001 में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 91 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा की मूवी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बनी है
और इसका बजट $42 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $68.5 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हम इस मूवी में टोनी सालोहब एज आर्थुर क्रिटिकोस के रोल में और एम्बिथ डेविड्स एज कैलिन ऑर्टिजा के रोल में और मैथ्यू लिलॉर्ड एज डेनिस रैफकिन के रोल में और सैनो एलिजाबेथ एज काथिया क्रिटिकोस के रोल में और एलिक रॉबर्ट्स एज बॉबी क्रिटिकोस के रोल में और रह डीगा एज मैगी बीज के रोल में और एफ मूरे अब्राहम एज साइरस क्रिटिकोस के रोल में और जे आर बॉर्नी एज बेन मोस के रोल में और मैथ्यू हैरिसन एज डेमन के रोल में और मिखेल स्पीडेल एज बिली माइकेल्स के रोल में और दी फर्स्ट बॉर्न सन के रोल में और डैनियल वेस्ले एज जिमी द गैम्बलर गैम्बिनो के रोल में दी टोर्सो के रोल में और लॉरा मिनेल एज सुजैन एल ग्रो के रोल में और दी बाउंड वुमेन के रोल में और कैथरी एंडरसन एज जीन क्रिटिकोस दी वीदर दर लवर के रोल में और क्रेज ऑलजिंक एज रोएका कैल क्लेटोन और दी ट्रोन प्रिंस के रोल में और स्वेन लॉयर एज डैना न्यूमैन के रोल में और दी एंग्री प्रिंसेस के रोल में और एक्सथेंथ रैडली एज इसबेला स्मिथ और दी पिलग्रिमेज के रोल में और सी एर्नेस्ट एज हार्थ और हैरोल्ड सिल्बर्नी द ग्रे ग्रेट चाइल्ड के रोल में और लॉरा सोफेर एज मार्गरेट सिल्बर्नी और दी डायर मदर के रोल में और हर्बर्ट डुमकैनसन एज जॉर्ज मार्कले और दी हैमर के रोल में और साइन वेलियर एज रैन कुहान और दी जैकेल के रोल में और जॉन दी साइंटिस्ट एज हॉरेक ब्रीकर मैनहोनी और दी टू ग्रैंटो के रोल में और केन क्रिंगजर एज स्टेशन स्टंट परफॉर्मर के रोल में। तो फ्रेंड्स चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको 13 घोस्ट इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ, पूरी स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स घोस्ट हंटर साइरस क्रिटिकोस और उनके मानसिक सहायक डेनिस रफकिन एक टीम का नेतृत्व करते हैं जो जुगरनाट नामक एक आत्मा को पकड़ने के लिए एक मिशन पर है। साइरस सहित कई पुरुष मारे जाते हैं जबकि टीम भूत को पकड़ने में सक्षम होती है। साइरस के भतीजे आर्थर एक विधुर को साइरस के संपत्ति वकील बेनमांस द्वारा सूचित किया जाता है कि उसे साइरस की हवेली विरासत में मिली है। आर्थिक रूप से असुरक्षित आर्थर अपने दो बच्चों कैथी और बॉबी और उनकी नानी मैंगी के साथ वहां जाने का फैसला करता है। जब वे हवेली का दौरा करते हैं तो डेनिस परिवार से मिलता है। निवास पूरी तरह से लैटिन वाक्यांशों के साथ खुदा हुआ कांच की चादर से बना है जिसे डेनिस बाधा मंत्र के रूप में पहचानता है। उसे पता चलता है कि उसने और साइरस पर कब्जा कर लिया। 12 क्रोधित भूत घर में कैद है, मंत्रों द्वारा बंदी बना लिया गया। जैसे कि वह आर्थर को चेतावनी देता है, मांस अनजाने में एक तंत्र का ट्रिगर करता है जो घर की सील कर देता है और भूतों को छोड़ देता है। वह मर जाता है जबकि स्लाइडिंग दरवाजों के एक सीट ने उसे आधा कर दिया। बॉबी कई भूतों को देखता है जिसमें मुरझाया हुआ प्रेमी भी शामिल है। उसकी माँ जीन जो एक घर में आग लगाने से घायल हो गई थी उसे बेहोश कर घसीटा जाता है। डेनिस वर्क्रामी चश्मे की एक जोड़ी का उपयोग करता है जो पहनने वाले को भूत से बचने के लिए अलौकिक क्षेत्र को देखने की अनुमति देता है। सबसे खतरनाक भूत में से एक सियार कैथी और आर्थर पर हमला करता है लेकिन उन्हें क्लीन और तियाज द्वारा बचा लिया जाता है जो एक आत्मा मुक्तिदाता है जो भूतों को मुक्त करने का प्रयास कर रही है। कैथी गायब हो जाती है और चार वयस्क पुस्तकालय में इकट्ठा होते हैं जहां आर्थर को पता चलता है कि जीन का भूत भी घर में है। क्लीन बताती है कि घर एक मशीन है जो बंदी भूतों द्वारा संचालित होती है जो अपने उपयोगकर्ता को भूत वर्तमान और भविष्य को देखने की अनुमति देती है। इसे बंद करने का एकमात्र तरीका प्रेम के बलिदान से 13वीं भूत का निर्माण करना है। आर्थर को पता चलता है कि उसे अपने बच्चों को बचाने के लिए भूत बनना होगा। वर्णक्रामी चश्मे से लैस आर्थर और डेनिस बच्चे को खोजने के लिए तहखाने में प्रवेश करते हैं। डेनिस ने आर्थर को अपनी सुरक्षा के लिए एक कांच की चादर के पीछे रोक दिया लेकिन हैमर और जुगनाट दो अन्य खतरनाक भूतों ने पीट पीट कर मार डाला। यह पता चला है कि आर्थर को घर ले जाने के लिए साइरस ने अपनी मौत का नाटक किया था। क्लीना उसका साथी है। जब वह मैगी को एक बड़ी किताब
के साथ बेहोश कर देती है और उसके आने पर तुरंत साइरस को चूम लेती है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको 13 घोस्ट्स इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियोस को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 घोस्ट्स मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 5.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे वुडू ने 4.3 आउट ऑफ 5 रेटिंग दिया है और इसे 88% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, 13 घोस्ट, इस मूवी को ऑल्सो 13 घोस्ट के नाम से जाना जाता है और ये 2001 की सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है, जिसे डायरेक्टिंग है स्टीव बीग, स्क्रीन प्ले दिए नील मार्शल स्टीवेंस, रिचर्ड डी ओविडियो और स्टोरी दिए हैं रॉब वाइट और यह मूवी बेस्ड है 13 घोस्ट जो कि रॉब वाइट की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं रॉबर्ट जेमेस्किस, जोल सिल्वर, गिलबर्ट एडलर और इस मूवी के स्टारिंग है टोनी सेल हॉब, एम्बेथ डेविडिच, मैथ्यू लीलार्ड, सैनोन एलिजाबेथ, राह डिगा, एफ मूरी अब्राहम और इस मूवी में स्क्रीन प्ले दिए हैं गैल टैटरेशॉल और इस मूवी को एडिट किए डिर्क जी ब्रिचेन, एडवर्ड ए वॉर्चिल का और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जॉन फ्रिजेल और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स, कोलंबिया पिक्चर्स, डार्क कैस्टल इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स, यूनाइटेड स्टेट्स, कैनेडा, कोलंबिया, ट्री स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल और ये मूवी 26 अक्टूबर 2001 में रिलीज़ हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 91 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा की मूवी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बनी है और इसका बजट $42 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $68.5 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में टोनी सालोहब एज आर्थुर क्रिटिकोस के रोल में और एम्बिथ डेविड्स एज कैलिन ऑर्टिजा के रोल में और मैथ्यू लीलार्ड एज डेनिस रैफकिन के रोल में और सैनो एलिजाबेथ एज काथिया क्रिटिकोस के रोल में और एलिक रॉबर्ट्स एज बॉबी क्रिटिकोस के रोल में और राह डिगा एज मैगी बीज के रोल में और एफ मूरे अब्राहम एज साइरस क्रिटिकोस के रोल में और जे आर बॉर्नी एज बेन मोस के रोल में और मैथ्यू हैरिसन एज डेमन के रोल में और मिखेल स्पीडेल एज बिली माइकेल्स के रोल में और द फर्स्ट बॉर्न सन के रोल में और डैनियल वेस्ले एज जिमी द गैम्बलर गैम्बिनो के रोल में, द टोरसो के रोल में और लॉरा मिनेल एज सुजैन एल ग्रो के रोल में और द बाउंड वुमेन के रोल में और कैथरी एंडरसन एज जीन क्रिटिकोस, द वीदर दर लवर के रोल में और क्रेज ऑलजिंक एज रोएका कैल क्लेटोन और दी ट्रोन प्रिंस के रोल में और स्वेन लॉयर एज डैना न्यूमैन के रोल में और दी एंग्री प्रिंसेस के रोल में और एक्सथेंथ रैडली एज इसबेला स्मिथ और दी पिलग्रिमेज के रोल में और सी एर्नेस्ट एज हर्थ और हैरोल्ड सिल्बर्नी द ग्रेट चाइल्ड के रोल में और लॉरा सोफेर एज मार्गरेट सिल्बर्नी और दी डायर मदर के रोल में और हर्बर्ट डुंकैनसन एज जॉर्ज मार्कले और दी हैमर के रोल में और साइन वेलियर एज रैन कुहान और दी जैकेल के रोल में और जॉन दी साइंटिस्ट एज हॉरेक ब्रीकर मैनहोनी और दी ट्यू ग्रैंटू के रोल में और केन क्रिंगजर एज स्टेशन स्टंट परफॉर्मर के रोल में। तो फ्रेंड्स, चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको 13 घोस्ट इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ, पूरी स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, घोस्ट हंटर साइरस क्रिटिकोस और उनके मानसिक सहायक डेनिस रफकिन एक टीम का नेतृत्व करते हैं जो जुगरनाट नामक एक आत्मा को पकड़ने के लिए एक मिशन पर है। साइरस सहित कई पुरुष मारे जाते हैं जबकि टीम भूत को पकड़ने में सक्षम होती है। साइरस के भतीजे आर्थर एक विधुर को साइरस के संपत्ति वकील बेन मॉन्स द्वारा सूचित किया जाता है कि उसे साइरस की हवेली विरासत में मिली है। आर्थिक रूप से असुरक्षित आर्थर अपने दो बच्चों कैथी और बॉबी और उनकी नानी मैगी के साथ वहां जाने का फैसला करता है। जब वे हवेली का दौरा करते हैं तो डेनिस परिवार से मिलता है। निवास पूरी तरह से लैटिन वाक्यांशों के साथ खुदा हुआ कांच की चादर से बना है जिसे डेनिस
बाधा मंत्र के रूप में पहचानता है। उसे पता चलता है कि उसने ओसाइरिस पर कब्जा कर लिया। 12 क्रोधित भूत घर में कैद है, मंत्रों द्वारा बंदी बना लिया गया। जैसे कि वह आर्थर को चेतावनी देता है, मॉस अनजाने में एक तंत्र का ट्रिगर करता है जो घर की सील कर देता है और भूतों को छोड़ देता है। वह मर जाता है जबकि स्लाइडिंग दरवाजों के एक सीट ने उसे आधा कर दिया। बॉबी कई भूतों को देखता है जिसमें मुरझाया हुआ प्रेमी भी शामिल है। उसकी माँ जीन, जो एक घर में आग लगाने से घायल हो गई थी, उसे बेहोश कर घसीटा जाता है। डेनिस वर्कामी चश्मे की एक जोड़ी का उपयोग करता है जो पहनने वाले को भूत से बचने के लिए अलौकिक क्षेत्र को देखने की अनुमति देता है। सबसे खतरनाक भूत में से एक सीआर कैथी और आर्थर पर हमला करता है, लेकिन उन्हें क्लीन और तियाज द्वारा बचा लिया जाता है, जो एक आत्मा मुक्तिदाता है जो भूतों को मुक्त करने का प्रयास कर रही है। कैथी गायब हो जाती है और चोर व्यस्क पुस्तकालय में इकट्ठा होते हैं, जहां आर्थर को पता चलता है कि जीन का भूत भी घर में है। क्लीन बताती है कि घर एक मशीन है जो बंदी भूतों द्वारा संचालित होती है, जो अपने उपयोगकर्ता को भूत वर्तमान और भविष्य को देखने की अनुमति देती है। इसे बंद करने का एकमात्र तरीका प्रेम के बलिदान से 13वीं भूत का निर्माण करना है। आर्थर को पता चलता है कि उसे अपने बच्चों को बचाने के लिए भूत बनना होगा। वर्णक्रामी चश्मे से लैस आर्थर और डेनिस बच्चे को खोजने के लिए तहखाने में प्रवेश करते हैं। डेनिस ने आर्थर को अपनी सुरक्षा के लिए एक कांच की चादर के पीछे रोक दिया, लेकिन हैमर और जुगनार्ड, दो अन्य खतरनाक भूतों ने पीट पीट कर मार डाला। यह पता चला है कि आर्थर को घर ले जाने के लिए साइरस ने अपनी मौत का नाटक किया था। क्लीना उसका साथी है। जब वह मैगी को एक बड़ी किताब के साथ बेहोश कर देती है और उसके आने पर तुरंत साइरस को चूम लेती है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको 13 घोस्ट्स इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियोस को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 घोस्ट्स मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 5.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे वुडू ने 4.3 आउट ऑफ 5 रेटिंग दिया है और इसे 88% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, 13 घोस्ट, इस मूवी को ऑल्सो 13 घोस्ट के नाम से जाना जाता है और ये 2001 की सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है, जिसे डायरेक्टिंग है स्टीव बिग, स्क्रीन प्ले दिए नील मार्शल स्टीवेंस, रिचर्ड डी ओविडियो और स्टोरी दिए हैं रॉब वाइट, और यह मूवी बेस्ड है 13 घोस्ट जो कि रॉब वाइट की है, और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं रॉबर्ट जेमेस्किस, जोल सिल्वर, गिलबर्ट एडलर, और इस मूवी के स्टारिंग है टोनी सेलहॉब, एम्बेथ डेविडिच, मैथ्यू लिलार्ड, सैनन एलिजाबेथ, राह डिगा, एफ मूरी अब्राहम, और इस मूवी में स्क्रीन प्ले दिए हैं गैल टैट्रेशॉल, और इस मूवी को एडिट किए डिर्क जी ब्रिचियन, एडवर्ड ए वॉर्चिल का, और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जॉन फ्रिजेल, और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स, कोलंबिया पिक्चर्स, डार्क कैस्टल इंटरटेनमेंट, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स यूनाइटेड स्टेट्स, कैनेडा, कोलंबिया, ट्री स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल, और ये मूवी 26 अक्टूबर 2001 में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 91 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा की मूवी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बनी है, और इसका बजट $42 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $68.5 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में टोनी सेलहॉब एज आर्थर क्रिटिकोस के रोल में और एम्बेथ डेविड्स एज कैलिन ऑर्टिजा के रोल में और मैथ्यू लिलार्ड एज डेनिस रैफकिन के रोल में और सैनो एलिजाबेथ एज काथिया क्रिटिकोस के रोल में और एलिक रॉबर्ट्स एज बॉबी क्रिटिकोस के रोल में और राह डिगा एज मैगी बीज के रोल में और एफ मूरे अब्राहम एज साइरस क्रिटिकोस के रोल में और जे आर बॉर्नी एज बेन मोस के रोल में और मैथ्यू हैरिसन एज डेमन के रोल में और मिखेल स्पीडेल एज बिली माइकेल्स के रोल में और दी फर्स्ट बॉर्न सन के रोल में और डैनियल वेस्ले एज जिमी द गैम्बलर गैम्बिनो के रोल में, दी टोर्सो के रोल में और लॉरा
मिनेल एस सुजैन एल ग्रो के रोल में और दी बाउंड वुमेन के रोल में और कैथरी एंडरसन एस जीन क्रिटिकोस द वीदर द लवर के रोल में और क्रेज ओलजिंक एस रोएका कैल क्लेटोन और दी ट्रोन प्रिंस के रोल में और स्वेन लॉयर एस डैना न्यूमैन के रोल में और दी एंग्री प्रिंसेस के रोल में और एक्सथेंथ रैडली एस इसबेला स्मिथ और दी पिलग्रिमेज के रोल में और सी एर्नेस्ट एज हर्थ और हैरोल्ड सिल्बर्नी द ग्रे ग्रेट चाइल्ड के रोल में और लॉरा सोफेर एज मार्गरेट सिल्बर्नी और दी डायर मदर के रोल में और हर्बर्ट डुमकैनसन एज जॉर्ज मार्कले और दी हैमर के रोल में और साइन वेलियर एज रैन कुहान और दी जैकेल के रोल में और जॉन दी साइंटिस्ट एज हॉरेक ब्रीकर मैनहोनी और दी टू ग्रैंड टू के रोल में और केन क्रिंगजर एज स्टेशन स्टंट परफॉर्मर के रोल में। तो फ्रेंड्स चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैं आपको 13 घोस्ट इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं, पूरी स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स घोस्ट हंटर साइरस क्रिटिकोस और उनके मानसिक सहायक डेनिस रफकिन एक टीम का नेतृत्व करते हैं जो जुगरनाट नामक एक आत्मा को पकड़ने के लिए एक मिशन पर है। साइरस सहित कई पुरुष मारे जाते हैं जबकि टीम भूत को पकड़ने में सक्षम होती है। साइरस के भतीजे आर्थर एक विधुर को साइरस के संपत्ति वकील बेनमांस द्वारा सूचित किया जाता है कि उसे साइरस की हवेली विरासत में मिली है। आर्थिक रूप से असुरक्षित आर्थर अपने दो बच्चों कैथी और बॉबी और उनकी नानी मैंगी के साथ वहाँ जाने का फैसला करता है। जब वे हवेली का दौरा करते हैं तो डेनिस परिवार से मिलता है। निवास पूरी तरह से लैटिन वाक्यांशों के साथ खुदा हुआ कांच की चादर से बना है जिसे डेनिस बाधा मंत्र के रूप में पहचानता है। उसे पता चलता है कि उसने और साइरस पर कब्जा कर लिया। 12 क्रोधित भूत घर में कैद है, मंत्रों द्वारा बंदी बना लिया गया। जैसे कि वह आर्थर को चेतावनी देता है, मॉस अनजाने में एक तंत्र का ट्रिगर करता है जो घर की सील कर देता है और भूतों को छोड़ देता है। वह मर जाता है जबकि स्लाइडिंग दरवाजों के एक सीट ने उसे आधा कर दिया। बॉबी कई भूतों को देखता है जिसमें मुरझाया हुआ प्रेमी भी शामिल है। उसकी माँ जीन जो एक घर में आग लगाने से घायल हो गई थी उसे बेहोश कर घसीटा जाता है। डेनिस वर्क्रामी चश्मे की एक जोड़ी का उपयोग करता है जो पहनने वाले को भूत से बचने के लिए अलौकिक क्षेत्र को देखने की अनुमति देता है। सबसे खतरनाक भूत में से एक सियार कैथी और आर्थर पर हमला करता है लेकिन उन्हें क्लीन और तियाज द्वारा बचा लिया जाता है जो एक आत्मा मुक्तिदाता है जो भूतों को मुक्त करने का प्रयास कर रही है। कैथी गायब हो जाती है और चार वयस्क पुस्तकालय में इकट्ठा होते हैं जहाँ आर्थर को पता चलता है कि जीन का भूत भी घर में है। क्लीन बताती है कि घर एक मशीन है जो बंदी भूतों द्वारा संचालित होती है जो अपने उपयोगकर्ता को भूत वर्तमान और भविष्य को देखने की अनुमति देती है। इसे बंद करने का एकमात्र तरीका प्रेम के बलिदान से 13वीं भूत का निर्माण करना है। आर्थर को पता चलता है कि उसे अपने बच्चों को बचाने के लिए भूत बनना होगा। वर्णक्रामी चश्मे से लैस आर्थर और डेनिस बच्चे को खोजने के लिए तहखाने में प्रवेश करते हैं। डेनिस ने आर्थर को अपनी सुरक्षा के लिए एक कांच की चादर के पीछे रोक दिया लेकिन हैमर और जुगनाट दो अन्य खतरनाक भूतों ने पीट पीट कर मार डाला। यह पता चला है कि आर्थर को घर ले जाने के लिए साइरस ने अपनी मौत का नाटक किया था। क्लीना उसका साथी है जब वह मैगी को एक बड़ी किताब के साथ बेहोश कर देती है और उसके आने पर तुरंत साइरस को चूम लेती है। तो फ्रेंड्स आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको 13 घोस्ट्स इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। हे फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 घोस्ट्स मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स इस मूवी को आईएमडीबी ने 5.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे वुडू ने 4.3 आउट ऑफ 5 रेटिंग दिया है और इसे 88% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स 13 घोस्ट इस मूवी को ऑल्सो थॉट
13 घोस्ट के नाम से जाना जाता है और ये 2001 की सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है जिसे डायरेक्टिंग है स्टीव बीग, स्क्रीन प्ले दिए नील मार्शल स्टीवेंस, रिचर्ड डी ओविडियो और स्टोरी दिए हैं रॉब वाइट और यह मूवी बेस्ड है 13 घोस्ट जो कि रॉब वाइट की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं रॉबर्ट जेमेस्किस, जोल सिल्वर, गिलबर्ट एडलर और इस मूवी के स्टारिंग है टोनी सेल हॉब, एम्बेथ डेविड टिच, मैथ्यू लिलार्ड, सैनन एलिजाबेथ, राह डिगा, एफ मूरी अब्राहम और इस मूवी में स्क्रीन प्ले दिए हैं गैल टैट्रेशॉल और इस मूवी को एडिट किए हैं डिर्क जी ब्रिचेन, एडवर्ड ए वॉर्शील का और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जॉन फ्रिजेल और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स, कोलम्बिया पिक्चर्स, डार्क कैस्टल इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स, यूनाइटेड स्टेट्स, कैनेडा, कोलम्बिया, ट्री स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल और ये मूवी 26 अक्टूबर 2001 में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 91 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स और कैनेडा की मूवी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बनी है और इसका बजट $42 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $68.5 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हम इस मूवी में टोनी सालोहब एज आर्थुर क्रिटिकोस के रोल में और एम्बिथ डेविड्स एज कैलिन ऑर्टिजा के रोल में और मैथ्यू लिलार्ड एज डेनिस रैफकिन के रोल में और सैनो एलिजाबेथ एज काथिया क्रिटिकोस के रोल में और एलिक रॉबर्ट्स एज बॉबी क्रिटिकोस के रोल में और राह डिगा एज मैगी बीज के रोल में और एफ मूरे अब्राहम एज साइरस क्रिटिकोस के रोल में और जे आर बॉर्नी एज बेन मोस के रोल में और मैथ्यू हैरिसन एज डेमन के रोल में और मिखेल स्पीडेल एज बिली माइकेल्स के रोल में और द फर्स्ट बॉर्न सन के रोल में और डैनियल वेस्ले एज जिमी द गैम्बलर गैम्बिनो के रोल में, द टोरसो के रोल में और लॉरा मिनेल एज सुजैन एल ग्रो के रोल में और द बाउंड वुमेन के रोल में और कैथरी एंडरसन एज जीन क्रिटिकोस, द वीदर दर लवर के रोल में और क्रेज ऑलजिंक एज रोएका कैल क्लेटोन और दी ट्रोन प्रिंस के रोल में और स्वेन लॉयर एज डैना न्यूमैन के रोल में और दी एंग्री प्रिंसेस के रोल में और एक्सथेंथ रैडली एज इसबेला स्मिथ और दी पिलग्रिमेज के रोल में और सी एर्नेस्ट एज हर्थ और हैरोल्ड सिल्बर्नी द ग्रेट चाइल्ड के रोल में और लॉरा सोफेर एज मार्गरेट सिल्बर्नी और दी डायर मदर के रोल में और हर्बर्ट डुमकैनसन एज जॉर्ज मार्कले और दी हैमर के रोल में और साइन वेलियर एज रैन कुहान और दी जैकेल के रोल में और जॉन दी साइंटिस्ट एज हॉरेक ब्रीकर मैनहोनी और दी ट्यू ग्रैंटू के रोल में और केन क्रिंगजर एज स्टेशन स्टंट परफॉर्मर के रोल में। तो फ्रेंड्स चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको 13 घोस्ट इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ, पूरी स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स घोस्ट हंटर साइरस क्रिटिकोस और उनके मानसिक सहायक डेनिस रफकिन एक टीम का नेतृत्व करते हैं जो जुगरनाट नामक एक आत्मा को पकड़ने के लिए एक मिशन पर है। साइरस सहित कई पुरुष मारे जाते हैं जबकि टीम भूत को पकड़ने में सक्षम होती है। साइरस के भतीजे आर्थर एक विधुर को साइरस के संपत्ति वकील बेन मॉन्स द्वारा सूचित किया जाता है कि उसे साइरस की हवेली विरासत में मिली है। आर्थिक रूप से असुरक्षित आर्थर अपने दो बच्चों कैथी और बॉबी और उनकी नानी मैगी के साथ वहां जाने का फैसला करता है। जब वे हवेली का दौरा करते हैं तो डेनिस परिवार से मिलता है। निवास पूरी तरह से लैटिन वाक्यांशों के साथ खुदा हुआ कांच की चादर से बना है जिसे डेनिस बाधा मंत्र के रूप में पहचानता है। उसे पता चलता है कि उसने और साइरस पर कब्जा कर लिया। 12 क्रोधित भूत घर में कैद है, मंत्रों द्वारा बंदी बना लिया गया। जैसे कि वह आर्थर को चेतावनी देता है, मॉस अनजाने में एक तंत्र का ट्रिगर करता है जो घर की सील कर देता है और भूतों को छोड़ देता है। वह मर जाता है जबकि स्लाइडिंग दरवाजों के एक सीट ने उसे आधा कर दिया। बॉबी कई भूतों को देखता है जिसमें मुरझाया हुआ प्रेमी भी शामिल है। उसकी माँ जीन जो एक घर में आग लगाने से घायल हो गई थी उसे बेहोश कर घसीटा जाता है। डेनिस वर्क्रामी चश्मे की एक जोड़ी का उपयोग करता है जो पहनने वाले को भूत से बचने के लिए अलौकिक क्षेत्र को देखने की अनुमति देता है। सबसे खतरनाक भूत में से एक सियार कैथी और आर्थर पर हमला करता है लेकिन उन्हें
क्लीन और तियाज द्वारा बचा लिया जाता है, जो एक आत्मा मुक्तिदाता है जो भूतों को मुक्त करने का प्रयास कर रही है। कैथी गायब हो जाती है और चार वयस्क पुस्तकालय में इकट्ठा होते हैं, जहां आर्थर को पता चलता है कि जीन का भूत भी घर में है। क्लीन बताती है कि घर एक मशीन है जो बंदी भूतों द्वारा संचालित होती है, जो अपने उपयोगकर्ता को भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने की अनुमति देती है। इसे बंद करने का एकमात्र तरीका प्रेम के बलिदान से 13वीं भूत का निर्माण करना है। आर्थर को पता चलता है कि उसे अपने बच्चों को बचाने के लिए भूत बनना होगा। वर्णक्रामी चश्मे से लैस आर्थर और डेनिस बच्चे को खोजने के लिए तहखाने में प्रवेश करते हैं। डेनिस ने आर्थर को अपनी सुरक्षा के लिए एक कांच की चादर के पीछे रोक दिया, लेकिन हैमर और जुगनार्ड दो अन्य खतरनाक भूतों ने पीट पीट कर मार डाला। यह पता चला है कि आर्थर को घर ले जाने के लिए साइरस ने अपनी मौत का नाटक किया था। क्लीना उसका साथी है। जब वह मैगी को एक बड़ी किताब के साथ बेहोश कर देती है और उसके आने पर तुरंत साइरस को चूम लेती है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको 13 घोस्ट्स इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियोस को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 घोस्ट्स मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 5.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे वुडू ने 4.3 आउट ऑफ 5 रेटिंग दिया है और इसे 88% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, 13 घोस्ट, इस मूवी को ऑल्सो 13 घोस्ट के नाम से जाना जाता है और ये 2001 की सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है, जिसे डायरेक्टिंग है स्टीव बिग, स्क्रीन प्ले दिए नील मार्शल स्टीवेंस, रिचर्ड डी ओविडियो और स्टोरी दिए हैं रॉब वाइट और यह मूवी बेस्ड है 13 घोस्ट जो कि रॉब वाइट की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं रॉबर्ट जेमेस्किस, जोल सिल्वर, गिलबर्ट एडलर और इस मूवी के स्टारिंग है टोनी सेल हॉब, एम्बेथ डेविड टिच, मैथ्यू लीलार्ड, सैनन एलिजाबेथ, राह डिगा, एफ मूरी अब्राहम और इस मूवी में स्क्रीन प्ले दिए हैं गैल टैटरेशॉल और इस मूवी को एडिट किए डिर्क जी ब्रिचियन, एडवर्ड ए वॉर्चिल का और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जॉन फ्रिजेल और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स, कोलंबिया पिक्चर्स, डार्क कैस्टल इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स, यूनाइटेड स्टेट्स, कैनेडा, कोलंबिया, ट्री स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल और ये मूवी 26 अक्टूबर 2001 में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 91 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा की मूवी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बनी है और इसका बजट $42 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $68.5 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में टोनी सालोहब एज आर्थुर क्रिटिकोस के रोल में और एम्बिथ डेविड एज कैलिन ऑर्टिजा के रोल में और मैथ्यू लीलार्ड एज डेनिस रैफकिन के रोल में और सैनो एलिजाबेथ एज काथिया क्रिटिकोस के रोल में और एलिक रॉबर्ट्स एज बॉबी क्रिटिकोस के रोल में और राह डिगा एज मैगी बीज के रोल में और एफ मूरे अब्राहम एज साइरस क्रिटिकोस के रोल में और जे आर बॉर्नी एज बेन मोस के रोल में और मैथ्यू हैरिसन एज डेमन के रोल में और मिखेल स्पीडेल एज बिली माइकेल्स के रोल में और दी फर्स्ट बॉर्न सन के रोल में और डैनियल वेस्ले एज जिमी द गैम्बलर गैम्बिनो के रोल में, दी टोर्सो के रोल में और लॉरा मिनेल एज सुजैन एल ग्रो के रोल में और दी बाउंड वुमेन के रोल में और कैथरी एंडरसन एज जीन क्रिटिकोस, दी वीदर दर लवर के रोल में और क्रेज ओलजिंक एज रोएका कैल क्लेटोन और दी ट्रोन प्रिंस के रोल में और स्वेन लॉयर एज डैना न्यूमैन के रोल में और दी एंग्री प्रिंसेस के रोल में और एक्सेंथ रैडली एज इसबेला स्मिथ और दी पिलग्रिमेज के रोल में और सी एर्नेस्ट एज हर्थ और हैरोल्ड सिल्बर्नी दी ग्रेट चाइल्ड के रोल में और लॉरा सोफेर एज मार्गरेट सिल्बर्नी और दी डायर मदर के रोल में और हर्बर्ट डुमकैनसन एज जॉर्ज मार्कले और दी हैमर के रोल में और साइन वेलियर एज रैन कुहान और दी जैकेल के रोल में और जॉन दी साइंटिस्ट एज हॉरेक ब्रीकर मैनहोनी और दी टू ग्रैंड टू के रोल में
और केन क्रिंगजर एज स्टेशन स्टंट परफॉर्मर के रोल में। तो फ्रेंड्स चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैं आपको 13 घोस्ट इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ, पूरी स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स घोस्ट हंटर साइरस क्रिटिकोस और उनके मानसिक सहायक डेनिस रफकिन एक टीम का नेतृत्व करते हैं जो जुगरनाट नामक एक आत्मा को पकड़ने के लिए एक मिशन पर है। साइरस सहित कई पुरुष मारे जाते हैं जबकि टीम भूत को पकड़ने में सक्षम होती है। साइरस के भतीजे आर्थर एक विधुर को साइरस के संपत्ति वकील बेन मॉन्स द्वारा सूचित किया जाता है कि उसे साइरस की हवेली विरासत में मिली है। आर्थिक रूप से असुरक्षित आर्थर अपने दो बच्चों कैथी और बॉबी और उनकी नानी मैंगी के साथ वहाँ जाने का फैसला करता है। जब वे हवेली का दौरा करते हैं तो डेनिस परिवार से मिलता है। निवास पूरी तरह से लैटिन वाक्यांशों के साथ खुदा हुआ कांच की चादर से बना है जिसे डेनिस बाधा मंत्र के रूप में पहचानता है। उसे पता चलता है कि उसने और साइरस पर कब्जा कर लिया। 12 क्रोधित भूत घर में कैद है, मंत्रों द्वारा बंदी बना लिया गया। जैसे कि वह आर्थर को चेतावनी देता है, मॉस अनजाने में एक तंत्र का ट्रिगर करता है जो घर की सील कर देता है और भूतों को छोड़ देता है। वह मर जाता है जबकि स्लाइडिंग दरवाजों के एक सीट ने उसे आधा कर दिया। बॉबी कई भूतों को देखता है जिसमें मुरझाया हुआ प्रेमी भी शामिल है। उसकी माँ जीन जो एक घर में आग लगाने से घायल हो गई थी उसे बेहोश कर घसीटा जाता है। डेनिस वर्क्रामी चश्मे की एक जोड़ी का उपयोग करता है जो पहनने वाले को भूत से बचने के लिए अलौकिक क्षेत्र को देखने की अनुमति देता है। सबसे खतरनाक भूत में से एक सियार कैथी और आर्थर पर हमला करता है लेकिन उन्हें क्लीन और तियाज द्वारा बचा लिया जाता है जो एक आत्मा मुक्तिदाता है जो भूतों को मुक्त करने का प्रयास कर रही है। कैथी गायब हो जाती है और चार वयस्क पुस्तकालय में इकट्ठा होते हैं जहां आर्थर को पता चलता है कि जीन का भूत भी घर में है। क्लीन बताती है कि घर एक मशीन है जो बंदी भूतों द्वारा संचालित होती है जो अपने उपयोगकर्ता को भूत वर्तमान और भविष्य को देखने की अनुमति देती है। इसे बंद करने का एकमात्र तरीका प्रेम के बलिदान से 13वीं भूत का निर्माण करना है। आर्थर को पता चलता है कि उसे अपने बच्चों को बचाने के लिए भूत बनना होगा। वर्णक्रामी चश्मे से लैस आर्थर और डेनिस बच्चे को खोजने के लिए तहखाने में प्रवेश करते हैं। डेनिस ने आर्थर को अपनी सुरक्षा के लिए एक कांच की चादर के पीछे रोक दिया लेकिन हैमर और जुगनाट दो अन्य खतरनाक भूतों ने पीट पीट कर मार डाला। यह पता चला है कि आर्थर को घर ले जाने के लिए साइरस ने अपनी मौत का नाटक किया था। क्लीना उसका साथी है। जब वह मैगी को एक बड़ी किताब के साथ बेहोश कर देती है और उसके आने पर तुरंत साइरस को चूम लेती है। तो फ्रेंड्स आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको 13 घोस्ट्स इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियोस को देखते रहें। हे फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 घोस्ट्स मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स इस मूवी को IMDb ने 5.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे वुडू ने 4.3 आउट ऑफ 5 रेटिंग दिया है और इसे 88% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स 13 घोस्ट इस मूवी को ऑल्सो 13 घोस्ट के नाम से जाना जाता है और ये 2001 की सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है जिसे डायरेक्टिंग है स्टीव बीग, स्क्रीन प्ले दिए नील मार्शल स्टीवेंस, रिचर्ड डी ओविडियो और स्टोरी दिए हैं रॉब वाइट और यह मूवी बेस्ड है 13 घोस्ट जो कि रॉब वाइट की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं रॉबर्ट जेमेस्किस, जोल सिल्वर, गिलबर्ट एडलर और इस मूवी के स्टारिंग है टोनी सेल हॉब, एम्बेथ डेविडिच, मैथ्यू लीलार्ड, सैनोन एलिजाबेथ, राह डिगा, एफ मूरी अब्राहम और इस मूवी में स्क्रीन प्ले दिए हैं गैल टैट्रेशॉल और इस मूवी को एडिट किए डिर्क जी ब्रिचेन, एडवर्ड ए वॉर्चिल का और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जॉन फ्रिजेल और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स, कोलंबिया पिक्चर्स, डार्क कैस्टल इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स, यूनाइटेड स्टेट्स, कैनेडा, कोलंबिया, ट्री स्टार फिल्म,
डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल। और ये मूवी 26 अक्टूबर 2001 में रिलीज़ हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 91 मिनट्स। और ये यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा की मूवी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बनी है। और इसका बजट $42 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $68.5 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हम इस मूवी में टोनी सालोहब एज आर्थुर क्रिटिकोस के रोल में और एम्बिथ डेविड्स एज कैलिन ऑर्टिजा के रोल में और मैथ्यू लिलॉर्ड एज डेनिस रैफकिन के रोल में और सैनो एलिजाबेथ एज काथिया क्रिटिकोस के रोल में और एलिक रॉबर्ट्स एज बॉबी क्रिटिकोस के रोल में और रह डीगा एज मैगी बीज के रोल में और एफ मूरे अब्राहम एज साइरस क्रिटिकोस के रोल में और जे आर बॉर्नी एज बेन मोस के रोल में और मैथ्यू हैरिसन एज डेमन के रोल में और मिखेल स्पीडेल एज बिली माइकेल्स के रोल में और द फर्स्ट बॉर्न सन के रोल में और डैनियल वेस्ले एज जिमी द गैम्बलर गैम्बिनो के रोल में द टोर्सो के रोल में और लॉरा मिनेल एज सुजैन एल ग्रो के रोल में और द बाउंड वुमन के रोल में और कैथरी एंडरसन एज जीन क्रिटिकोस द वीदर दर लवर के रोल में और क्रेज ऑलजिंक एज रोएका कैल क्लेटोन और दी ट्रोन प्रिंस के रोल में और स्वेन लॉयर एज डैना न्यूमैन के रोल में और दी एंग्री प्रिंसेस के रोल में और एक्सथेंथ रैडली एज इसबेला स्मिथ और दी पिलग्रिमेज के रोल में और सी एर्नेस्ट एज हर्थ और हैरोल्ड सिलबर्नी द ग्रेट चाइल्ड के रोल में और लॉरा सोफेर एज मार्गरेट सिलबर्नी और दी डायर मदर के रोल में और हर्बर्ट डुमकैनसन एज जॉर्ज मार्कले और दी हैमर के रोल में और साइन वेलियर एज रैन कुहान और दी जैकेल के रोल में और जॉन दी साइंटिस्ट एज हॉरेक ब्रीकर मैनहोनी और दी ट्यू ग्रैंड टू के रोल में और केन क्रिंगजर एज स्टेशन स्टंट परफॉर्मर के रोल में। तो फ्रेंड्स चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको 13 घोस्ट इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ। पूरी स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स घोस्ट हंटर साइरस क्रिटिकोस और उनके मानसिक सहायक डेनिस रफकिन एक टीम का नेतृत्व करते हैं जो जुगरनाट नामक एक आत्मा को पकड़ने के लिए एक मिशन पर है। साइरस सहित कई पुरुष मारे जाते हैं जबकि टीम भूत को पकड़ने में सक्षम होती है। साइरस के भतीजे आर्थर एक विधुर को साइरस के संपत्ति वकील बेन मॉन्स द्वारा सूचित किया जाता है कि उसे साइरस की हवेली विरासत में मिली है। आर्थिक रूप से असुरक्षित आर्थर अपने दो बच्चों कैथी और बॉबी और उनकी नानी मैगी के साथ वहां जाने का फैसला करता है। जब वे हवेली का दौरा करते हैं तो डेनिस परिवार से मिलता है। निवास पूरी तरह से लैटिन वाक्यांशों के साथ खुदा हुआ कांच की चादर से बना है जिसे डेनिस बाधा मंत्र के रूप में पहचानता है। उसे पता चलता है कि उसने और साइरस पर कब्जा कर लिया। 12 क्रोधित भूत घर में कैद है, मंत्रों द्वारा बंदी बना लिया गया। जैसे कि वह आर्थर को चेतावनी देता है, मॉस अनजाने में एक तंत्र का ट्रिगर करता है जो घर की सील कर देता है और भूतों को छोड़ देता है। वह मर जाता है जबकि स्लाइडिंग दरवाजों के एक सीट ने उसे आधा कर दिया। बॉबी कई भूतों को देखता है जिसमें मुरझाया हुआ प्रेमी भी शामिल है। उसकी माँ जीन जो एक घर में आग लगाने से घायल हो गई थी उसे बेहोश कर घसीटा जाता है। डेनिस वर्क्रामी चश्मे की एक जोड़ी का उपयोग करता है जो पहनने वाले को भूत से बचने के लिए अलौकिक क्षेत्र को देखने की अनुमति देता है। सबसे खतरनाक भूत में से एक सियार कैथी और आर्थर पर हमला करता है लेकिन उन्हें क्लीन और तियाज द्वारा बचा लिया जाता है जो एक आत्मा मुक्तिदाता है जो भूतों को मुक्त करने का प्रयास कर रही है। कैथी गायब हो जाती है और चार वयस्क पुस्तकालय में इकट्ठा होते हैं जहां आर्थर को पता चलता है कि जीन का भूत भी घर में है। क्लीन बताती है कि घर एक मशीन है जो बंदी भूतों द्वारा संचालित होती है जो अपने उपयोगकर्ता को भूत वर्तमान और भविष्य को देखने की अनुमति देती है। इसे बंद करने का एकमात्र तरीका प्रेम के बलिदान से 13वीं भूत का निर्माण करना है। आर्थर को पता चलता है कि उसे अपने बच्चों को बचाने के लिए भूत बनना होगा। वर्णक्रामी चश्मे से लैस आर्थर और डेनिस बच्चे को खोजने के लिए तहखाने में प्रवेश करते हैं। डेनिस ने आर्थर को अपनी सुरक्षा के लिए एक कांच की चादर के पीछे रोक दिया लेकिन हैमर और जुगनार्ड दो अन्य खतरनाक भूतों ने पीट पीट कर मार डाला।
यह पता चला है कि ऑर्थर को घर ले जाने के लिए साइरस ने अपनी मौत का नाटक किया था। क्लीना उसका साथी है। जब वह मैगी को एक बड़ी किताब के साथ बेहोश कर देती है और उसके आने पर तुरंत साइरस को चूम लेती है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको 13 घोस्ट्स इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियोस को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 घोस्ट्स मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 5.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे वुडू ने 4.3 आउट ऑफ 5 रेटिंग दिया है और इसे 88% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, 13 घोस्ट, इस मूवी को ऑल्सो 13 घोस्ट के नाम से जाना जाता है और ये 2001 की सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है, जिसे डायरेक्टिंग है स्टीव बिग, स्क्रीन प्ले दिए नील मार्शल स्टीवेंस, रिचर्ड डी ओविडियो और स्टोरी दिए हैं रॉब वाइट और यह मूवी बेस्ड है 13 घोस्ट जो कि रॉब वाइट की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं रॉबर्ट जेमेस्किस, जोल सिल्वर, गिलबर्ट एडलर और इस मूवी के स्टारिंग है टोनी सेलहॉब, एम्बेथ डेविडिच, मैथ्यू लिलार्ड, सैनोन एलिजाबेथ, राह डिगा, एफ मूरी अब्राहम और इस मूवी में स्क्रीन प्ले दिए हैं गैल टैट्रेशॉल और इस मूवी को एडिट किए डिर्क जी ब्रिचियन, एडवर्ड ए वॉर्चिल का और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जॉन फ्रिजेल और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स, कोलंबिया पिक्चर्स, डार्क कैस्टल इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स, यूनाइटेड स्टेट्स, कैनेडा, कोलंबिया, ट्री स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल और ये मूवी 26 अक्टूबर 2001 में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 91 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा की मूवी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बनी है और इसका बजट $42 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $68.5 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में टोनी सेलहॉब एज आर्थुर क्रिटिकोस के रोल में और एम्बेथ डेविड्स एज कैलिन ऑर्टिजा के रोल में और मैथ्यू लिलार्ड एज डेनिस रैफकिन के रोल में और सैनो एलिजाबेथ एज काथिया क्रिटिकोस के रोल में और एलिक रॉबर्ट्स एज बॉबी क्रिटिकोस के रोल में और राह डिगा एज मैगी बीज के रोल में और एफ मूरे अब्राहम एज साइरस क्रिटिकोस के रोल में और जे आर बॉर्नी एज बेन मोस के रोल में और मैथ्यू हैरिसन एज डेमन के रोल में और मिखेल स्पीडेल एज बिली माइकेल्स के रोल में और दी फर्स्ट बॉर्न सन के रोल में और डैनियल वेस्ले एज जिमी द गैम्बलर गैम्बिनो के रोल में, दी टोर्सो के रोल में और लॉरा मिनेल एज सुजैन एल ग्रो के रोल में और दी बाउंड वुमेन के रोल में और कैथरी एंडरसन एज जीन क्रिटिकोस, दी वीदर दर लवर के रोल में और क्रेज ओलजिंक एज रोएका कैल क्लेटोन और दी ट्रोन प्रिंस के रोल में और स्वेन लॉयर एज डैना न्यूमैन के रोल में और दी एंग्री प्रिंसेस के रोल में और एक्सथेंथ रैडली एज इसबेला स्मिथ और दी पिलग्रिमेज के रोल में और सी एर्नेस्ट एज हर्थ और हैरोल्ड सिल्बर्नी दी ग्रे ग्रेट चाइल्ड के रोल में और लॉरा सोफेर एज मार्गरेट सिल्बर्नी और दी डायर मदर के रोल में और हर्बर्ट डुंकैनसन एज जॉर्ज मार्कले और दी हैमर के रोल में और साइन वेलियर एज रैन कुहान और दी जैकेल के रोल में और जॉन दी साइंटिस्ट एज हॉरेक ब्रीकर मैनहोनी और दी टू ग्रैंटो के रोल में और केन क्रिंगजर एज स्टेशन स्टंट परफॉर्मर के रोल में। तो फ्रेंड्स, चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको 13 घोस्ट इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ, पूरी स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, घोस्ट हंटर साइरस क्रिटिकोस और उनके मानसिक सहायक डेनिस रफकिन एक टीम का नेतृत्व करते हैं जो जुगरनाट नामक एक आत्मा को पकड़ने के लिए एक मिशन पर है। साइरस सहित कई पुरुष मारे जाते हैं जबकि टीम भूत को पकड़ने में सक्षम होती है। साइरस के भतीजे आर्थर एक विधुर को साइरस के संपत्ति वकील बेनमांस द्वारा सूचित किया जाता है कि उसे साइरस की हवेली विरासत में मिली है। आर्थिक रूप से असुरक्षित आर्थर अपने दो बच्चों कैथी और बॉबी और उनके नानी मैंगी के साथ वहां जाने का फैसला करता है। जब वे हवेली का दौरा करते हैं तो डेनिस परिवार से मिलता है। निवास पूरी तरह से लैटिन वाक्यांशों के साथ खुद
खुदा हुआ कांच की चादर से बना है, जिसे डेनिस बाधा मंत्र के रूप में पहचानता है। उसे पता चलता है कि उसने ऑर्साइरस पर कब्जा कर लिया। 12 क्रोधित भूत घर में कैद है, मंत्रों द्वारा बंदी बना लिया गया। जैसे कि वह आर्थर को चेतावनी देता है, मॉस अनजाने में एक तंत्र का ट्रिगर करता है जो घर की सील कर देता है और भूतों को छोड़ देता है। वह मर जाता है जबकि स्लाइडिंग दरवाजों के एक सीट ने उसे आधा कर दिया। बॉबी कई भूतों को देखता है जिसमें मुरझाया हुआ प्रेमी भी शामिल है। उसकी माँ जीन, जो एक घर में आग लगाने से घायल हो गई थी, उसे बेहोश कर घसीटा जाता है। डेनिस वर्कामी चश्मे की एक जोड़ी का उपयोग करता है जो पहनने वाले को भूत से बचने के लिए अलौकिक क्षेत्र को देखने की अनुमति देता है। सबसे खतरनाक भूत में से एक सीआर कैथी और आर्थर पर हमला करता है, लेकिन उन्हें क्लीन और तियाज द्वारा बचा लिया जाता है, जो एक आत्मा मुक्तिदाता है जो भूतों को मुक्त करने का प्रयास कर रही है। कैथी गायब हो जाती है और चौर व्यस्क पुस्तकालय में इकट्ठा होते हैं, जहां आर्थर को पता चलता है कि जीन का भूत भी घर में है। क्लीन बताती है कि घर एक मशीन है जो बंदी भूतों द्वारा संचालित होती है, जो अपने उपयोगकर्ता को भूत वर्तमान और भविष्य को देखने की अनुमति देती है। इसे बंद करने का एकमात्र तरीका प्रेम के बलिदान से 13वीं भूत का निर्माण करना है। आर्थर को पता चलता है कि उसे अपने बच्चों को बचाने के लिए भूत बनना होगा। वर्णक्रामी चश्मे से लैस आर्थर और डेनिस बच्चे को खोजने के लिए तहखाने में प्रवेश करते हैं। डेनिस ने आर्थर को अपनी सुरक्षा के लिए एक कांच की चादर के पीछे रोक दिया, लेकिन हैमर और जुगनाट दो अन्य खतरनाक भूतों ने पीट पीट कर मार डाला। यह पता चला है कि आर्थर को घर ले जाने के लिए साइरस ने अपनी मौत का नाटक किया था। क्लीना उसका साथी है। जब वह मैगी को एक बड़ी किताब के साथ बेहोश कर देती है और उसके आने पर तुरंत साइरस को चूम लेती है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको 13 घोस्ट्स इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियोस को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 घोस्ट्स मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 5.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे वुडू ने 4.3 आउट ऑफ 5 रेटिंग दिया है और इसे 88% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, 13 घोस्ट, इस मूवी को ऑल्सो 13 घोस्ट के नाम से जाना जाता है और ये 2001 की सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है, जिसे डायरेक्टिंग है स्टीव बीक, स्क्रीन प्ले दिए नील मार्शल स्टीवेंस, रिचर्ड डी ओविडियो और स्टोरी दिए हैं रॉब वाइट, और यह मूवी बेस्ड है 13 घोस्ट जो कि रॉब वाइट की है, और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं रॉबर्ट जेमेस्किस, जोल सिल्वर, गिलबर्ट एडलर, और इस मूवी के स्टारिंग है टोनी सेल हॉब, एम्बेथ डेविडिच, मैथ्यू लीलार्ड, सैनन एलिजाबेथ, राह डिगा, एफ मूरी अब्राहम, और इस मूवी में स्क्रीन प्ले दिए हैं गैल टैट्रेशॉल, और इस मूवी को एडिट किए डिर्क जी ब्रिचेन, एडवर्ड ए वॉर्चिल का, और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जॉन फ्रिजेल, और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स, कोलंबिया पिक्चर्स, डार्क कैस्टल इंटरटेनमेंट, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स, यूनाइटेड स्टेट्स, कैनेडा, कोलंबिया, ट्री स्टार फिल्म, डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल, और ये मूवी 26 अक्टूबर 2001 में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 91 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा की मूवी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बनी है, और इसका बजट $42 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $68.5 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में टोनी सालोहब एज आर्थुर क्रिटिकोस के रोल में, और एम्बिथ डेविड्स एज कैलिन ऑर्टिजा के रोल में, और मैथ्यू लीलार्ड एज डेनिस रैफकिन के रोल में, और सैनो एलिजाबेथ एज काथिया क्रिटिकोस के रोल में, और एलिक रॉबर्ट्स एज बॉबी क्रिटिकोस के रोल में, और राह डिगा एज मैगी बीज के रोल में, और एफ मूरे अब्राहम एज साइरस क्रिटिकोस के रोल में, और जे आर बॉर्नी एज बेन मोस के रोल में, और मैथ्यू हैरिसन एज डेमन के रोल में, और मिखेल स्पीडेल एज बिली माइकेल्स के रोल में, और द फर्स्ट बॉर्न सन के रोल में, और डैनियल वेस्ले एज जिमी
द गैम्बलर गैम्बिनो के रोल में, दी टोरसो के रोल में, और लॉरा मिनेल एस सुजैन एल ग्रो के रोल में, और दी बाउंड वुमेन के रोल में, और कैथरी एंडरसन एस जीन क्रिटिकोस, दी वीदर दर लवर के रोल में, और क्रेज कॉलजिंक एस रोएका कैल क्लेटोन, और दी ट्रोन प्रिंस के रोल में, और स्वेन लॉयर एस डैना न्यूमैन के रोल में, और दी एंग्री प्रिंसेस के रोल में, और एक्सथेंथ रैडली एस इसबेला स्मिथ, और दी पिलग्रिमेज के रोल में, और सी एर्नेस्ट एज हर्थ, और हैरोल्ड सिल्बर्नी द ग्रेट चाइल्ड के रोल में, और लॉरा सोफेर एज मार्गरेट सिल्बर्नी, और दी डायर मदर के रोल में, और हर्बर्ट डुमकैनसन एज जॉर्ज मार्कले, और दी हैमर के रोल में, और साइन वेलियर एज रैन कुहान, और दी जैकेल के रोल में, और जॉन दी साइंटिस्ट एज हॉरेक ब्रीकर मैनहोनी, और दी ट्यू ग्रैंड टू के रोल में, और केन क्रिंगजर एज स्टेशन स्टंट परफॉर्मर के रोल में। तो फ्रेंड्स चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैं आपको 13 घोस्ट इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं। पूरी स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स घोस्ट हंटर साइरस क्रिटिकोस और उनके मानसिक सहायक डेनिस रफकिन एक टीम का नेतृत्व करते हैं जो जुगरनाट नामक एक आत्मा को पकड़ने के लिए एक मिशन पर है। साइरस सहित कई पुरुष मारे जाते हैं जबकि टीम भूत को पकड़ने में सक्षम होती है। साइरस के भतीजे आर्थर एक विधुर को साइरस के संपत्ति वकील बेन मॉन्स द्वारा सूचित किया जाता है कि उसे साइरस की हवेली विरासत में मिली है। आर्थिक रूप से असुरक्षित आर्थर अपने दो बच्चों कैथी और बॉबी और उनकी नानी मैंगी के साथ वहाँ जाने का फैसला करता है। जब वे हवेली का दौरा करते हैं तो डेनिस परिवार से मिलता है। निवास पूरी तरह से लैटिन वाक्यांशों के साथ खुदा हुआ कांच की चादर से बना है जिसे डेनिस बाधा मंत्र के रूप में पहचानता है। उसे पता चलता है कि उसने और साइरस पर कब्जा कर लिया। 12 क्रोधित भूत घर में कैद है, मंत्रों द्वारा बंदी बना लिया गया। जैसे कि वह आर्थर को चेतावनी देता है, मॉस अनजाने में एक तंत्र का ट्रिगर करता है जो घर की सील कर देता है और भूतों को छोड़ देता है। वह मर जाता है जबकि स्लाइडिंग दरवाजों के एक सीट ने उसे आधा कर दिया। बॉबी कई भूतों को देखता है जिसमें मुरझाया हुआ प्रेमी भी शामिल है। उसकी माँ जीन जो एक घर में आग लगाने से घायल हो गई थी उसे बेहोश कर घसीटा जाता है। डेनिस वर्कामी चश्मे की एक जोड़ी का उपयोग करता है जो पहनने वाले को भूत से बचने के लिए अलौकिक क्षेत्र को देखने की अनुमति देता है। सबसे खतरनाक भूत में से एक सियार कैथी और आर्थर पर हमला करता है लेकिन उन्हें क्लीन और तियाज द्वारा बचा लिया जाता है जो एक आत्मा मुक्तिदाता है जो भूतों को मुक्त करने का प्रयास कर रही है। कैथी गायब हो जाती है और चार वयस्क पुस्तकालय में इकट्ठा होते हैं जहाँ आर्थर को पता चलता है कि जीन का भूत भी घर में है। क्लीन बताती है कि घर एक मशीन है जो बंदी भूतों द्वारा संचालित होती है जो अपने उपयोगकर्ता को भूत वर्तमान और भविष्य को देखने की अनुमति देती है। इसे बंद करने का एकमात्र तरीका प्रेम के बलिदान से 13वीं भूत का निर्माण करना है। आर्थर को पता चलता है कि उसे अपने बच्चों को बचाने के लिए भूत बनना होगा। वर्णक्रामी चश्मे से लैस आर्थर और डेनिस बच्चे को खोजने के लिए तहखाने में प्रवेश करते हैं। डेनिस ने आर्थर को अपनी सुरक्षा के लिए एक कांच की चादर के पीछे रोक दिया लेकिन हैमर और जुगनाट दो अन्य खतरनाक भूतों ने पीट पीट कर मार डाला। यह पता चला है कि आर्थर को घर ले जाने के लिए साइरस ने अपनी मौत का नाटक किया था। क्लीना उसका साथी है। जब वह मैगी को एक बड़ी किताब के साथ बेहोश कर देती है और उसके आने पर तुरंत साइरस को चूम लेती है। तो फ्रेंड्स आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको 13 घोस्ट्स इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियोस को देखते रहें। हे फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 घोस्ट्स मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स इस मूवी को IMDb ने 5.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे वुडू ने 4.3 आउट ऑफ 5 रेटिंग दिया है और इसे 88% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स 13 घोस्ट
इस मूवी को ऑल्सो थर्टीन घोस्ट के नाम से जाना जाता है और ये 2001 की सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है जिसे डायरेक्टिंग है स्टीव बिग, स्क्रीन प्ले दिए नील मार्शल स्टीवेंस, रिचर्ड डी ओविडियो और स्टोरी दिए हैं रॉब वाइट और यह मूवी बेस्ड है 13 घोस्ट जो कि रॉब वाइट की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं रॉबर्ट जेमेस्किस, जोल सिल्वर, गिलबर्ट एडलर और इस मूवी के स्टारिंग है टोनी सेलहॉब, एम्बेथ डेविडिच, मैथ्यू लिलार्ड, सैनन एलिजाबेथ, राह डिगा, एफ मूरी अब्राहम और इस मूवी में स्क्रीन प्ले दिए हैं गैल टैट्रेशॉल और इस मूवी को एडिट किए डिर्क जी ब्रिचियन, एडवर्ड ए वॉर्चिल का और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जॉन फ्रिजेल और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स, कोलम्बिया पिक्चर्स, डार्क कैस्टल इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स, यूनाइटेड स्टेट्स, कैनेडा, कोलम्बिया, ट्री स्टार फिल्म, डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल और ये मूवी 26 अक्टूबर 2001 में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 91 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा की मूवी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बनी है और इसका बजट $42 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $68.5 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हम इस मूवी में टोनी सेलहॉब एज आर्थुर क्रिटिकोस के रोल में और एम्बेथ डेविड्स एज कैलिन ऑर्टिजा के रोल में और मैथ्यू लिलार्ड एज डेनिस रैफकिन के रोल में और सैनो एलिजाबेथ एज काथिया क्रिटिकोस के रोल में और एलिक रॉबर्ट्स एज बॉबी क्रिटिकोस के रोल में और राह डिगा एज मैगी बीज के रोल में और एफ मूरे अब्राहम एज साइरस क्रिटिकोस के रोल में और जे आर बॉर्नी एज बेन मोस के रोल में और मैथ्यू हैरिसन एज डेमन के रोल में और मिखेल स्पीडेल एज बिली माइकेल्स के रोल में और दी फर्स्ट बॉर्न सन के रोल में और डैनियल वेस्ले एज जिमी द गैम्बलर गैम्बिनो के रोल में, दी टोर्सो के रोल में और लॉरा मिनेल एज सुजैन एल ग्रो के रोल में और दी बाउंड वुमेन के रोल में और कैथरी एंडरसन एज जीन क्रिटिकोस, दी वीदर दर लवर के रोल में और क्रेज ऑलजिंक एज रोएका कैल क्लेटोन और दी ट्रोन प्रिंस के रोल में और स्वेन लॉयर एज डैना न्यूमैन के रोल में और दी एंग्री प्रिंसेस के रोल में और एक्सेंथ रैडली एज इसबेला स्मिथ और दी पिलग्रिमेज के रोल में और सी एर्नेस्ट एज हर्थ और हैरोल्ड सिल्बर्नी दी ग्रे ग्रेट चाइल्ड के रोल में और लॉरा सोफेर एज मार्गरेट सिल्बर्नी और दी डायर मदर के रोल में और हर्बर्ट डुमकैनसन एज जॉर्ज मार्कले और दी हैमर के रोल में और साइन वेलियर एज रैन कुहान और दी जैकेल के रोल में और जॉन दी साइंटिस्ट एज हॉरेक ब्रीकर मैनहोनी और दी टू ग्रैंटो के रोल में और केन क्रिंगजर एज स्टेशन स्टंट परफॉर्मर के रोल में। तो फ्रेंड्स चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको 13 घोस्ट इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ, पूरी स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स घोस्ट हंटर साइरस क्रिटिकोस और उनके मानसिक सहायक डेनिस रफकिन एक टीम का नेतृत्व करते हैं जो जुगरनाट नामक एक आत्मा को पकड़ने के लिए एक मिशन पर है। साइरस सहित कई पुरुष मारे जाते हैं जबकि टीम भूत को पकड़ने में सक्षम होती है। साइरस के भतीजे आर्थर एक विधुर को साइरस के संपत्ति वकील बेनमांस द्वारा सूचित किया जाता है कि उसे साइरस की हवेली विरासत में मिली है। आर्थिक रूप से असुरक्षित आर्थर अपने दो बच्चों कैथी और बॉबी और उनके नानी मैंगी के साथ वहां जाने का फैसला करता है। जब वे हवेली का दौरा करते हैं तो डेनिस परिवार से मिलता है। निवास पूरी तरह से लैटिन वाक्यांशों के साथ खुदा हुआ कांच की चादर से बना है जिसे डेनिस बाधा मंत्र के रूप में पहचानता है। उसे पता चलता है कि उसने और साइरस पर कब्जा कर लिया। 12 क्रोधित भूत घर में कैद है, मंत्रों द्वारा बंदी बना लिया गया। जैसे कि वह आर्थर को चेतावनी देता है, मांस अनजाने में एक तंत्र का ट्रिगर करता है जो घर की सील कर देता है और भूतों को छोड़ देता है। वह मर जाता है जबकि स्लाइडिंग दरवाजों के एक सीट ने उसे आधा कर दिया। बॉबी कई भूतों को देखता है जिसमें मुरझाया हुआ प्रेमी भी शामिल है। उसकी माँ जीन जो एक घर में आग लगाने से घायल हो गई थी उसे बेहोश कर घसीटा जाता है। डेनिस वर्क्रामी चश्मे की एक जोड़ी का उपयोग करता है जो पहनने वाले को भूत से बचने के लिए अलौकिक क्षेत्र को देखने की अनुमति देता है। सबसे खतरनाक भूत में से एक सियार
कैथी और आर्थर पर हमला करता है, लेकिन उन्हें क्लिन और तियाज द्वारा बचा लिया जाता है, जो एक आत्मा मुक्तिदाता है जो भूतों को मुक्त करने का प्रयास कर रही है। कैथी गायब हो जाती है और चार वयस्क पुस्तकालय में इकट्ठा होते हैं, जहां आर्थर को पता चलता है कि जीन का भूत भी घर में है। क्लिन बताती है कि घर एक मशीन है जो बंदी भूतों द्वारा संचालित होती है, जो अपने उपयोगकर्ता को भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने की अनुमति देती है। इसे बंद करने का एकमात्र तरीका प्रेम के बलिदान से 13वीं भूत का निर्माण करना है। आर्थर को पता चलता है कि उसे अपने बच्चों को बचाने के लिए भूत बनना होगा। वर्णक्रामी चश्मे से लैस आर्थर और डेनिस बच्चे को खोजने के लिए तहखाने में प्रवेश करते हैं। डेनिस ने आर्थर को अपनी सुरक्षा के लिए एक कांच की चादर के पीछे रोक दिया, लेकिन हैमर और जुगनाट दो अन्य खतरनाक भूतों ने पीट पीट कर मार डाला। यह पता चला है कि आर्थर को घर ले जाने के लिए साइरस ने अपनी मौत का नाटक किया था। क्लीना उसका साथी है। जब वह मैगी को एक बड़ी किताब के साथ बेहोश कर देती है और उसके आने पर तुरंत साइरस को चूम लेती है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको 13 घोस्ट्स इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियोस को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 घोस्ट्स मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 5.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे वुडू ने 4.3 आउट ऑफ 5 रेटिंग दिया है और इसे 88% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, 13 घोस्ट, इस मूवी को ऑल्सो 13 घोस्ट के नाम से जाना जाता है और ये 2001 की सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है, जिसे डायरेक्टिंग है स्टीव बीग, स्क्रीन प्ले दिए नील मार्शल स्टीवेंस, रिचर्ड डी ओविडियो, और स्टोरी दिए हैं रॉब वाइट, और यह मूवी बेस्ड है 13 घोस्ट जो कि रॉब वाइट की है, और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं रॉबर्ट जेमेस्किस, जोल सिल्वर, गिलबर्ट एडलर, और इस मूवी के स्टारिंग है टोनी सेल हॉब, एम्बेथ डेविडिच, मैथ्यू लीलार्ड, सैनन एलिजाबेथ, राह डिगा, एफ मूरी अब्राहम, और इस मूवी में स्क्रीन प्ले दिए हैं गैल टैट्रेशॉल, और इस मूवी को एडिट किए डिर्क जी ब्रिचेन, एडवर्ड ए वॉर्शील का, और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जॉन फ्रिजेल, और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स, कोलंबिया पिक्चर्स, डार्क कैस्टल इंटरटेनमेंट, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स, यूनाइटेड स्टेट्स, कैनेडा, कोलंबिया, ट्री स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल, और ये मूवी 26 अक्टूबर 2001 में रिलीज़ हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 91 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा की मूवी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बनी है, और इसका बजट $42 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $68.5 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में टोनी सालोहब एज आर्थुर क्रिटिकोस के रोल में, और एम्बिथ डेविड्स एज कैलिन ऑर्टिजा के रोल में, और मैथ्यू लीलार्ड एज डेनिस रैफकिन के रोल में, और सैनो एलिजाबेथ एज काथिया क्रिटिकोस के रोल में, और एलिक रॉबर्ट्स एज बॉबी क्रिटिकोस के रोल में, और राह डिगा एज मैगी बीज के रोल में, और एफ मूरे अब्राहम एज साइरस क्रिटिकोस के रोल में, और जे आर बॉर्नी एज बेन मोस के रोल में, और मैथ्यू हैरिसन एज डेमन के रोल में, और मिखेल स्पीडेल एज बिली माइकेल्स के रोल में, और द फर्स्ट बॉर्न सन के रोल में, और डैनियल वेस्ले एज जिमी द गैम्बलर गैम्बिनो के रोल में, द टोर्सो के रोल में, और लॉरा मिनेल एज सुजैन एल ग्रो के रोल में, और द बाउंड वुमेन के रोल में, और कैथरी एंडरसन एज जीन क्रिटिकोस द वीदर दर लवर के रोल में, और क्रेज ऑलजिंक एज रोयका कैल क्लेटोन और दी ट्रोन प्रिंस के रोल में, और स्वेन लॉयर एज डैना न्यूमैन के रोल में, और दी एंग्री प्रिंसेस के रोल में, और एक्सथेंथ रैडली एज इसबेला स्मिथ और दी पिलग्रिमेज के रोल में, और सी एर्नेस्ट एज हर्थ और हैरोल्ड सिल्बर्नी द ग्रेट चाइल्ड के रोल में, और लॉरा सोफेर एज मार्गरेट सिल्बर्नी और दी डायर मदर के रोल में, और हर्बर्ट डुमकैनसन एज जॉर्ज मार्कले और दी हैमर के रोल में, और साइन वेलियर एज रैन कुहान और दी जैकेल के रोल में, और जॉन दी साइंटिस्ट एज हॉरेक ब्रीकर मैनहोनी और दी
ह्यूग ग्रैंट टू के रोल में और केन क्रिंगजर एज स्टेशन स्टंट परफॉर्मर के रोल में। तो फ्रेंड्स चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैं आपको 13 घोस्ट इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ, पूरी स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स घोस्ट हंटर साइरस क्रिटिकोस और उनके मानसिक सहायक डेनिस रफकिन एक टीम का नेतृत्व करते हैं जो जुगरनाट नामक एक आत्मा को पकड़ने के लिए एक मिशन पर है। साइरस सहित कई पुरुष मारे जाते हैं जबकि टीम भूत को पकड़ने में सक्षम होती है। साइरस के भतीजे आर्थर एक विधुर को साइरस के संपत्ति वकील बेन मॉन्स द्वारा सूचित किया जाता है कि उसे साइरस की हवेली विरासत में मिली है। आर्थिक रूप से असुरक्षित आर्थर अपने दो बच्चों कैथी और बॉबी और उनकी नानी मैंगी के साथ वहाँ जाने का फैसला करता है। जब वे हवेली का दौरा करते हैं तो डेनिस परिवार से मिलता है। निवास पूरी तरह से लैटिन वाक्यांशों के साथ खुदा हुआ कांच की चादर से बना है जिसे डेनिस बाधा मंत्र के रूप में पहचानता है। उसे पता चलता है कि उसने और साइरस पर कब्जा कर लिया। 12 क्रोधित भूत घर में कैद हैं, मंत्रों द्वारा बंदी बना लिया गया। जैसे कि वह आर्थर को चेतावनी देता है, मॉस अनजाने में एक तंत्र का ट्रिगर करता है जो घर की सील कर देता है और भूतों को छोड़ देता है। वह मर जाता है जबकि स्लाइडिंग दरवाजों के एक सीट ने उसे आधा कर दिया। बॉबी कई भूतों को देखता है जिसमें मुरझाया हुआ प्रेमी भी शामिल है। उसकी माँ जीन जो एक घर में आग लगाने से घायल हो गई थी उसे बेहोश कर घसीटा जाता है। डेनिस वर्कामी चश्मे की एक जोड़ी का उपयोग करता है जो पहनने वाले को भूत से बचने के लिए अलौकिक क्षेत्र को देखने की अनुमति देता है। सबसे खतरनाक भूत में से एक सियार कैथी और आर्थर पर हमला करता है लेकिन उन्हें क्लीन और तियाज द्वारा बचा लिया जाता है जो एक आत्मा मुक्तिदाता है जो भूतों को मुक्त करने का प्रयास कर रही है। कैथी गायब हो जाती है और चार वयस्क पुस्तकालय में इकट्ठा होते हैं जहाँ आर्थर को पता चलता है कि जीन का भूत भी घर में है। क्लीन बताती है कि घर एक मशीन है जो बंदी भूतों द्वारा संचालित होती है जो अपने उपयोगकर्ता को भूत वर्तमान और भविष्य को देखने की अनुमति देती है। इसे बंद करने का एकमात्र तरीका प्रेम के बलिदान से 13वीं भूत का निर्माण करना है। आर्थर को पता चलता है कि उसे अपने बच्चों को बचाने के लिए भूत बनना होगा। वर्णक्रामी चश्मे से लैस आर्थर और डेनिस बच्चे को खोजने के लिए तहखाने में प्रवेश करते हैं। डेनिस ने आर्थर को अपनी सुरक्षा के लिए एक कांच की चादर के पीछे रोक दिया लेकिन हैमर और जुगनाट दो अन्य खतरनाक भूतों ने पीट पीट कर मार डाला। यह पता चला है कि आर्थर को घर ले जाने के लिए साइरस ने अपनी मौत का नाटक किया था। क्लीना उसका साथी है। जब वह मैगी को एक बड़ी किताब के साथ बेहोश कर देती है और उसके आने पर तुरंत साइरस को चूम लेती है। तो फ्रेंड्स आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको 13 घोस्ट्स इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियोस को देखते रहें। हे फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 घोस्ट्स मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स इस मूवी को IMDb ने 5.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे वुडू ने 4.3 आउट ऑफ 5 रेटिंग दिया है और इसे 88% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स 13 घोस्ट इस मूवी को ऑल्सो 13 घोस्ट के नाम से जाना जाता है और ये 2001 की सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है जिसे डायरेक्टिंग है स्टीव बिग, स्क्रीन प्ले दिए नील मार्शल स्टीवेंस, रिचर्ड डी ओविडियो और स्टोरी दिए हैं रॉब वाइट और यह मूवी बेस्ड है 13 घोस्ट जो कि रॉब वाइट की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं रॉबर्ट जेमेस्किस, जोल सिल्वर, गिलबर्ट एडलर और इस मूवी के स्टारिंग है टोनी सेलहॉब, एम्बेथ डेविडिच, मैथ्यू लिलार्ड, सैनन एलिजाबेथ, राह डिगा, एफ मूरी अब्राहम और इस मूवी में स्क्रीन प्ले दिए हैं गैल टैट्रेशॉल और इस मूवी को एडिट किए डिर्क जी ब्रिचियन, एडवर्ड ए वॉर्चिल का और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जॉन फ्रिजेल और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स, कोलंबिया पिक्चर्स, डार्क कैस्टल इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स, यूनाइटेड स्टेट्स, कैनेडा, कोलंबिया, ट्री स्टार फिल्म,
डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल इंटरनेशनल और ये मूवी 26 अक्टूबर 2001 में रिलीज़ हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 91 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा की मूवी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बनी है और इसका बजट $42 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $68.5 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हम इस मूवी में टोनी सालोहब एज आर्थुर क्रिटिकोस के रोल में और एम्बिथ डेविड्स एज कैलिन ऑर्टिजा के रोल में और मैथ्यू लीलॉर्ड एज डेनिस रैफकिन के रोल में और सैनो एलिजाबेथ एज काथिया क्रिटिकोस के रोल में और एलिक रॉबर्ट्स एज बॉबी क्रिटिकोस के रोल में और रह डीगा एज मैगी बीज के रोल में और एफ मूरे अब्राहम एज साइरस क्रिटिकोस के रोल में और जे आर बॉर्नी एज बेन मोस के रोल में और मैथ्यू हैरिसन एज डेमन के रोल में और मिखेल स्पीडेल एज बिली माइकेल्स के रोल में और दी फर्स्ट बॉर्न सन के रोल में और डैनियल वेस्ले एज जिमी द गैम्बलर गैम्बिनो के रोल में दी टोर्सो के रोल में और लॉरा मिनेल एज सुजैन एल ग्रो के रोल में और दी बाउंड वुमेन के रोल में और कैथरी एंडरसन एज जीन क्रिटिकोस दी वीदर दर लवर के रोल में और क्रेज ऑलजिंक एज रोएका कैल क्लेटोन और दी ट्रोन प्रिंस के रोल में और स्वेन लॉयर एज डैना न्यूमैन के रोल में और दी एंग्री प्रिंसेस के रोल में और एक्सथेंथ रैडली एज इसबेला स्मिथ और दी पिलग्रिमेज के रोल में और सी एर्नेस्ट एज हार्थ और हैरोल्ड सिल्बर्नी द ग्रे ग्रेट चाइल्ड के रोल में और लॉरा सोफेर एज मार्गरेट सिल्बर्नी और दी डायर मदर के रोल में और हर्बर्ट डुंकैनसन एज जॉर्ज मार्कले और दी हैमर के रोल में और साइन वेलियर एज रैन कुहान और दी जैकेल के रोल में और जॉन दी साइंटिस्ट एज हॉरेक ब्रीकर मैनहोनी और दी टू ग्रैंटो के रोल में और केन क्रिंगजर एज स्टेशन स्टंट परफॉर्मर के रोल में। तो फ्रेंड्स चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको 13 घोस्ट इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ, पूरी स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स घोस्ट हंटर साइरस क्रिटिकोस और उनके मानसिक सहायक डेनिस रफकिन एक टीम का नेतृत्व करते हैं जो जुगरनाट नामक एक आत्मा को पकड़ने के लिए एक मिशन पर है। साइरस सहित कई पुरुष मारे जाते हैं जबकि टीम भूत को पकड़ने में सक्षम होती है। साइरस के भतीजे आर्थर एक विधुर को साइरस के संपत्ति वकील बेनमांस द्वारा सूचित किया जाता है कि उसे साइरस की हवेली विरासत में मिली है। आर्थिक रूप से असुरक्षित आर्थर अपने दो बच्चों कैथी और बॉबी और उनकी नानी मैंगी के साथ वहां जाने का फैसला करता है। जब वे हवेली का दौरा करते हैं तो डेनिस परिवार से मिलता है। निवास पूरी तरह से लैटिन वाक्यांशों के साथ खुदा हुआ कांच की चादर से बना है जिसे डेनिस बाधा मंत्र के रूप में पहचानता है। उसे पता चलता है कि उसने और साइरस पर कब्जा कर लिया। 12 क्रोधित भूत घर में कैद है, मंत्रों द्वारा बंदी बना लिया गया। जैसे कि वह आर्थर को चेतावनी देता है, मांस अनजाने में एक तंत्र का ट्रिगर करता है जो घर की सील कर देता है और भूतों को छोड़ देता है। वह मर जाता है जबकि स्लाइडिंग दरवाजों के एक सीट ने उसे आधा कर दिया। बॉबी कई भूतों को देखता है जिसमें मुरझाया हुआ प्रेमी भी शामिल है। उसकी माँ जीन जो एक घर में आग लगाने से घायल हो गई थी उसे बेहोश कर घसीटा जाता है। डेनिस वर्क्रामी चश्मे की एक जोड़ी का उपयोग करता है जो पहनने वाले को भूत से बचने के लिए अलौकिक क्षेत्र को देखने की अनुमति देता है। सबसे खतरनाक भूत में से एक सियार कैथी और आर्थर पर हमला करता है लेकिन उन्हें क्लीन और तियाज द्वारा बचा लिया जाता है जो एक आत्मा मुक्तिदाता है जो भूतों को मुक्त करने का प्रयास कर रही है। कैथी गायब हो जाती है और चार वयस्क पुस्तकालय में इकट्ठा होते हैं जहां आर्थर को पता चलता है कि जीन का भूत भी घर में है। क्लीन बताती है कि घर एक मशीन है जो बंदी भूतों द्वारा संचालित होती है जो अपने उपयोगकर्ता को भूत वर्तमान और भविष्य को देखने की अनुमति देती है। इसे बंद करने का एकमात्र तरीका प्रेम के बलिदान से 13वीं भूत का निर्माण करना है। आर्थर को पता चलता है कि उसे अपने बच्चों को बचाने के लिए भूत बनना होगा। वर्णक्रामी चश्मे से लैस आर्थर और डेनिस बच्चे को खोजने के लिए तहखाने में प्रवेश करते हैं। डेनिस ने आर्थर को अपनी सुरक्षा के लिए एक कांच की चादर के पीछे रोक दिया लेकिन हैमर और जुगनाट दो अन्य खतरनाक भूतों ने पीट पीट कर मार डाला।
यह पता चला है कि ऑर्थर को घर ले जाने के लिए साइरस ने अपनी मौत का नाटक किया था। क्लीना उसका साथी है। जब वह मैगी को एक बड़ी किताब के साथ बेहोश कर देती है और उसके आने पर तुरंत साइरस को चूम लेती है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको 13 घोस्ट्स इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियोस को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 घोस्ट्स मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 5.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे वुडू ने 4.3 आउट ऑफ 5 रेटिंग दिया है और इसे 88% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, 13 घोस्ट, इस मूवी को ऑल्सो 13 घोस्ट के नाम से जाना जाता है और ये 2001 की सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है, जिसे डायरेक्टिंग है स्टीव बीग, स्क्रीन प्ले दिए नील मार्शल स्टीवेंस, रिचर्ड डी ओविडियो और स्टोरी दिए हैं रॉब वाइट, और यह मूवी बेस्ड है 13 घोस्ट जो कि रॉब वाइट की है, और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं रॉबर्ट जेमेस्किस, जोल सिल्वर, गिलबर्ट एडलर, और इस मूवी के स्टारिंग है टोनी सेल हॉब, एम्बेथ डेविडिच, मैथ्यू लीलार्ड, सैनोन एलिजाबेथ, राह डिगा, एफ मूरी अब्राहम, और इस मूवी में स्क्रीन प्ले दिए हैं गैल टैट्रेशॉल, और इस मूवी को एडिट किए डिर्क जी ब्रिचेन, एडवर्ड ए वॉर्चिल का, और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जॉन फ्रिजेल, और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स, कोलंबिया पिक्चर्स, डार्क कैस्टल इंटरटेनमेंट, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स, यूनाइटेड स्टेट्स, कैनेडा, कोलंबिया, ट्री स्टार फिल्म, डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल, और ये मूवी 26 अक्टूबर 2001 में रिलीज़ हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 91 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा की मूवी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बनी है, और इसका बजट $42 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $68.5 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में टोनी सालोहब एज आर्थुर क्रिटिकोस के रोल में, और एम्बिथ डेविड्स एज कैलिन ऑर्टिजा के रोल में, और मैथ्यू लीलार्ड एज डेनिस रैफकिन के रोल में, और सैनो एलिजाबेथ एज काथिया क्रिटिकोस के रोल में, और एलिक रॉबर्ट्स एज बॉबी क्रिटिकोस के रोल में, और राह डिगा एज मैगी बीज के रोल में, और एफ मूरे अब्राहम एज साइरस क्रिटिकोस के रोल में, और जे आर बॉर्नी एज बेन मोस के रोल में, और मैथ्यू हैरिसन एज डेमन के रोल में, और मिखेल स्पीडेल एज बिली माइकेल्स के रोल में, और द फर्स्ट बॉर्न सन के रोल में, और डैनियल वेस्ले एज जिमी द गैम्बलर गैम्बिनो के रोल में, द टोर्सो के रोल में, और लॉरा मिनेल एज सुजैन एल ग्रो के रोल में, और द बाउंड वुमेन के रोल में, और कैथरी एंडरसन एज जीन क्रिटिकोस द वीदर दर लवर के रोल में, और क्रेज ऑलजिंक एज रोएका कैल क्लेटोन और दी ट्रोन प्रिंस के रोल में, और स्वेन लॉयर एज डैना न्यूमैन के रोल में और दी एंग्री प्रिंसेस के रोल में, और एक्सथेंथ रैडली एज इसबेला स्मिथ और दी पिलग्रिमेज के रोल में, और सी एर्नेस्ट एज हर्थ और हैरोल्ड सिल्बर्नी द ग्रेट चाइल्ड के रोल में, और लॉरा सोफेर एज मार्गरेट सिल्बर्नी और दी डायर मदर के रोल में, और हर्बर्ट डुमकैनसन एज जॉर्ज मार्कले और दी हैमर के रोल में, और साइन वेलियर एज रैन कुहान और दी जैकेल के रोल में, और जॉन दी साइंटिस्ट एज हॉरेक ब्रीकर मैनहोनी और दी ट्यू ग्रैंड टू के रोल में, और केन क्रिंगजर एज स्टेशन स्टंट परफॉर्मर के रोल में। तो फ्रेंड्स, चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको 13 घोस्ट इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ, पूरी स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, घोस्ट हंटर साइरस क्रिटिकोस और उनके मानसिक सहायक डेनिस रफकिन एक टीम का नेतृत्व करते हैं जो जुगरनाट नामक एक आत्मा को पकड़ने के लिए एक मिशन पर है। साइरस सहित कई पुरुष मारे जाते हैं जबकि टीम भूत को पकड़ने में सक्षम होती है। साइरस के भतीजे आर्थर एक विधुर को साइरस के संपत्ति वकील बेन मॉन्स द्वारा सूचित किया जाता है कि उसे साइरस की हवेली विरासत में मिली है। आर्थिक रूप से असुरक्षित आर्थर अपने दो बच्चों कैथी और बॉबी और उनकी नानी मैगी के साथ वहां जाने का फैसला करता है। जब वे हवेली का दौरा करते हैं तो डेनिस परिवार से मिलता है। निवास पूरी तरह से लैटिन वाक्यांशों के साथ खुद
खुदा हुआ कांच की चादर से बना है, जिसे डेनिस बाधा मंत्र के रूप में पहचानता है। उसे पता चलता है कि उसने और साइरस पर कब्जा कर लिया। 12 क्रोधित भूत घर में कैद है, मंत्रों द्वारा बंदी बना लिया गया। जैसे कि वह आर्थर को चेतावनी देता है, मॉस अनजाने में एक तंत्र का ट्रिगर करता है जो घर की सील कर देता है और भूतों को छोड़ देता है। वह मर जाता है जबकि स्लाइडिंग दरवाजों को एक सीट ने उसे आधा कर दिया। बॉबी कई भूतों को देखता है जिसमें मुरझाया हुआ प्रेमी भी शामिल है। उसकी माँ जीन, जो एक घर में आग लगाने से घायल हो गई थी, उसे बेहोश कर घसीटा जाता है। डेनिस वर्कामी चश्मे की एक जोड़ी का उपयोग करता है जो पहनने वाले को भूत से बचने के लिए अलौकिक क्षेत्र को देखने की अनुमति देता है। सबसे खतरनाक भूत में से एक सियार कैथी और आर्थर पर हमला करता है, लेकिन उन्हें क्लीन और तियाज द्वारा बचा लिया जाता है, जो एक आत्मा मुक्तिदाता है जो भूतों को मुक्त करने का प्रयास कर रही है। कैथी गायब हो जाती है और चौर वयस्क पुस्तकालय में इकट्ठा होते हैं, जहां आर्थर को पता चलता है कि जीन का भूत भी घर में है। क्लीन बताती है कि घर एक मशीन है जो बंदी भूतों द्वारा संचालित होती है, जो अपने उपयोगकर्ता को भूत वर्तमान और भविष्य को देखने की अनुमति देती है। इसे बंद करने का एकमात्र तरीका प्रेम के बलिदान से 13वीं भूत का निर्माण करना है। आर्थर को पता चलता है कि उसे अपने बच्चों को बचाने के लिए भूत बनना होगा। वर्णक्रामी चश्मे से लैस आर्थर और डेनिस बच्चे को खोजने के लिए तहखाने में प्रवेश करते हैं। डेनिस ने आर्थर को अपनी सुरक्षा के लिए एक कांच की चादर के पीछे रोक दिया, लेकिन हैमर और जुगनार्ड, दो अन्य खतरनाक भूतों ने पीट पीट कर मार डाला। यह पता चला है कि आर्थर को घर ले जाने के लिए साइरस ने अपनी मौत का नाटक किया था। क्लीना उसका साथी है। जब वह मैगी को एक बड़ी किताब के साथ बेहोश कर देती है और उसके आने पर तुरंत साइरस को चूम लेती है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको 13 घोस्ट्स इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियोस को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 घोस्ट्स मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 5.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे वुडू ने 4.3 आउट ऑफ 5 रेटिंग दिया है और इसे 88% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, 13 घोस्ट, इस मूवी को ऑल्सो 13 घोस्ट के नाम से जाना जाता है और ये 2001 की सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है, जिसे डायरेक्टिंग है स्टीव बिग, स्क्रीन प्ले दिए नील मार्शल स्टीवेंस, रिचर्ड डी ओविडियो और स्टोरी दिए हैं रॉब वाइट और यह मूवी बेस्ड है 13 घोस्ट, जो कि रॉब वाइट की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं रॉबर्ट जेमेस्किस, जोल सिल्वर, गिलबर्ट एडलर और इस मूवी के स्टारिंग है टोनी सेलहॉब, एम्बेथ डेविडिच, मैथ्यू लिलार्ड, सैनोन एलिजाबेथ, राह डिगा, एफ मूरी अब्राहम और इस मूवी में स्क्रीन प्ले दिए हैं गैल टैट्रेशॉल और इस मूवी को एडिट किए डिर्क जी ब्रिचियन, एडवर्ड ए वॉर्चिल का और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जॉन फ्रिजेल और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स, कोलंबिया पिक्चर्स, डार्क कैस्टल इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स, यूनाइटेड स्टेट्स, कैनेडा, कोलंबिया, ट्री स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल और ये मूवी 26 अक्टूबर 2001 में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 91 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा की मूवी है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बनी है और इसका बजट $42 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $68.5 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में टोनी सेलहॉब एज आर्थर क्रिटिकोस के रोल में और एम्बेथ डेविड्स एज कैलिन ऑर्टिजा के रोल में और मैथ्यू लिलार्ड एज डेनिस रैफकिन के रोल में और सैनो एलिजाबेथ एज काथिया क्रिटिकोस के रोल में और एलिक रॉबर्ट्स एज बॉबी क्रिटिकोस के रोल में और राह डिगा एज मैगी बीज के रोल में और एफ मूरे अब्राहम एज साइरस क्रिटिकोस के रोल में और जे आर बॉर्नी एज बेन मोस के रोल में और मैथ्यू हैरिसन एज डेमन के रोल में और मिखेल स्पीडेल एज बिली माइकेल्स के रोल में और द फर्स्ट बॉर्न सन के रोल में और डैनियल वेस्ले एज जिमी
द गैम्बलर गैम्बिनो के रोल में, द टोरसो के रोल में, और लॉरा मिनेल एस सुजैन एल ग्रो के रोल में, और द बाउंड वूमेन के रोल में, और कैथरी एंडरसन एस जीन क्रिटिकोस, द वीदर द लवर के रोल में, और क्रेज ओलजिंक एस रोएका कैल क्लेटोन, और द ट्रोन प्रिंस के रोल में, और स्वेन लॉयर एस डैना न्यूमैन के रोल में, और द एंग्री प्रिंसेस के रोल में, और एक्सथेंथ रैडली एस इसबेला स्मिथ, और द पिलग्रिमेज के रोल में, और सी एर्नेस्ट एस हार्थ, और हैरोल्ड सिल्बर्नी द ग्रे ग्रेट चाइल्ड के रोल में, और लॉरा सोफेर एस मार्गरेट सिल्बर्नी, और दी डायर मदर के रोल में, और हर्बर्ट डुमकैनसन एस जॉर्ज मार्कले, और दी हैमर के रोल में, और साइन वेलियर एस रैन कुहान, और दी जैकेल के रोल में, और जॉन दी साइंटिस्ट एस हॉरेक ब्रीकर मैनहोनी, और दी टू ग्रैंड टू के रोल में, और केन क्रिंगजर एज स्टेशन स्टंट परफॉर्मर के रोल में। तो फ्रेंड्स चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैं आपको 13 घोस्ट इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं, पूरी स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स घोस्ट हंटर साइरस क्रिटिकोस और उनके मानसिक सहायक डेनिस रफकिन एक टीम का नेतृत्व करते हैं जो जुगरनाट नामक एक आत्मा को पकड़ने के लिए एक मिशन पर है। साइरस सहित कई पुरुष मारे जाते हैं जबकि टीम भूत को पकड़ने में सक्षम होती है। साइरस के भतीजे आर्थर एक विधुर को साइरस के संपत्ति वकील बेनमांस द्वारा सूचित किया जाता है कि उसे साइरस की हवेली विरासत में मिली है। आर्थिक रूप से असुरक्षित आर्थर अपने दो बच्चों कैथी और बॉबी और उनकी नानी मैंगी के साथ वहाँ जाने का फैसला करता है। जब वे हवेली का दौरा करते हैं तो डेनिस परिवार से मिलता है। निवास पूरी तरह से लैटिन वाक्यांशों के साथ खुदा हुआ कांच की चादर से बना है जिसे डेनिस बाधा मंत्र के रूप में पहचानता है। उसे पता चलता है कि उसने और साइरस पर कब्जा कर लिया। 12 क्रोधित भूत घर में कैद है, मंत्रों द्वारा बंदी बना लिया गया। जैसे कि वह आर्थर को चेतावनी देता है, मॉस अनजाने में एक तंत्र का ट्रिगर करता है जो घर की सील कर देता है और भूतों को छोड़ देता है। वह मर जाता है जबकि स्लाइडिंग दरवाजों के एक सीट ने उसे आधा कर दिया। बॉबी कई भूतों को देखता है जिसमें मुरझाया हुआ प्रेमी भी शामिल है। उसकी माँ जीन जो एक घर में आग लगाने से घायल हो गई थी उसे बेहोश कर घसीटा जाता है। डेनिस वर्क्रामी चश्मे की एक जोड़ी का उपयोग करता है जो पहनने वाले को भूत से बचने के लिए अलौकिक क्षेत्र को देखने की अनुमति देता है। सबसे खतरनाक भूत में से एक सियार कैथी और आर्थर पर हमला करता है लेकिन उन्हें क्लीन और तियाज द्वारा बचा लिया जाता है जो एक आत्मा मुक्तिदाता है जो भूतों को मुक्त करने का प्रयास कर रही है। कैथी गायब हो जाती है और चार वयस्क पुस्तकालय में इकट्ठा होते हैं जहाँ आर्थर को पता चलता है कि जीन का भूत भी घर में है। क्लीन बताती है कि घर एक मशीन है जो बंदी भूतों द्वारा संचालित होती है जो अपने उपयोगकर्ता को भूत वर्तमान और भविष्य को देखने की अनुमति देती है। इसे बंद करने का एकमात्र तरीका प्रेम के बलिदान से 13वीं भूत का निर्माण करना है। आर्थर को पता चलता है कि उसे अपने बच्चों को बचाने के लिए भूत बनना होगा। वर्णक्रामी चश्मे से लैस आर्थर और डेनिस बच्चे को खोजने के लिए तहखाने में प्रवेश करते हैं। डेनिस ने आर्थर को अपनी सुरक्षा के लिए एक कांच की चादर के पीछे रोक दिया लेकिन हैमर और जुगनाट दो अन्य खतरनाक भूतों ने पीट पीट कर मार डाला। यह पता चला है कि आर्थर को घर ले जाने के लिए साइरस ने अपनी मौत का नाटक किया था। क्लीना उसका साथी है जब वह मैगी को एक बड़ी किताब के साथ बेहोश कर देती है और उसके आने पर तुरंत साइरस को चूम लेती है। तो फ्रेंड्स आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको 13 घोस्ट्स इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियोस को देखते रहें। हे फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 घोस्ट्स मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स इस मूवी को IMDb ने 5.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे वुडू ने 4.3 आउट ऑफ 5 रेटिंग दिया है और इसे 88% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स 13 घोस्ट
इस मूवी को ऑल्सो थर्टीन घोस्ट के नाम से जाना जाता है और ये 2001 की सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है जिसे डायरेक्टिंग है स्टीव बिग, स्क्रीन प्ले दिए नील मार्शल स्टीवेंस, रिचर्ड डी ओविडियो और स्टोरी दिए हैं रॉब वाइट और यह मूवी बेस्ड है 13 घोस्ट जो कि रॉब वाइट की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं रॉबर्ट जेमेस्किस, जोल सिल्वर, गिलबर्ट एडलर और इस मूवी के स्टारिंग है टोनी सेल हॉब, एम्बेथ डेविड टिच, मैथ्यू लिलार्ड, सैनन एलिजाबेथ, राह डिगा, एफ मूरी अब्राहम और इस मूवी में स्क्रीन प्ले दिए हैं गैल टैट्रेशॉल और इस मूवी को एडिट किए हैं डिर्क जी ब्रिचेन, एडवर्ड ए वॉर्चिल का और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जॉन फ्रिजेल और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स, कोलंबिया पिक्चर्स, डार्क कैस्टल इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स, यूनाइटेड स्टेट्स, कैनेडा, कोलंबिया, ट्री स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल और ये मूवी 26 अक्टूबर 2001 में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 91 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा की मूवी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बनी है और इसका बजट $42 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $68.5 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हम इस मूवी में टोनी सालोहब एज आर्थुर क्रिटिकोस के रोल में और एम्बिथ डेविड्स एज कैलिन ऑर्टिजा के रोल में और मैथ्यू लिलार्ड एज डेनिस रैफकिन के रोल में और सैनो एलिजाबेथ एज काथिया क्रिटिकोस के रोल में और एलिक रॉबर्ट्स एज बॉबी क्रिटिकोस के रोल में और राह डिगा एज मैगी बीज के रोल में और एफ मूरे अब्राहम एज साइरस क्रिटिकोस के रोल में और जे आर बॉर्नी एज बेन मोस के रोल में और मैथ्यू हैरिसन एज डेमन के रोल में और मिखेल स्पीडेल एज बिली माइकेल्स के रोल में और द फर्स्ट बॉर्न सन के रोल में और डैनियल वेस्ले एज जिमी द गैम्बलर गैम्बिनो के रोल में, द टोर्सो के रोल में और लॉरा मिनेल एज सुजैन एल ग्रो के रोल में और द बाउंड वुमेन के रोल में और कैथरी एंडरसन एज जीन क्रिटिकोस, द वीदर दर लवर के रोल में और क्रेज ऑलजिंक एज रोएका कैल क्लेटोन और दी ट्रोन प्रिंस के रोल में और स्वेन लॉयर एज डैना न्यूमैन के रोल में और दी एंग्री प्रिंसेस के रोल में और एक्सथेंथ रैडली एज इसबेला स्मिथ और दी पिलग्रिमेज के रोल में और सी एर्नेस्ट एज हर्थ और हैरोल्ड सिल्बर्नी द ग्रेट चाइल्ड के रोल में और लॉरा सोफेर एज मार्गरेट सिल्बर्नी और दी डायर मदर के रोल में और हर्बर्ट डुमकैनसन एज जॉर्ज मार्कले और दी हैमर के रोल में और साइन वेलियर एज रैन कुहान और दी जैकेल के रोल में और जॉन दी साइंटिस्ट एज हॉरेक ब्रीकर मैनहोनी और दी ट्यू ग्रैंड टू के रोल में और केन क्रिंगजर एज स्टेशन स्टंट परफॉर्मर के रोल में। तो फ्रेंड्स चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको 13 घोस्ट इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ, पूरी स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स घोस्ट हंटर साइरस क्रिटिकोस और उनके मानसिक सहायक डेनिस रफकिन एक टीम का नेतृत्व करते हैं जो जुगरनाट नामक एक आत्मा को पकड़ने के लिए एक मिशन पर है। साइरस सहित कई पुरुष मारे जाते हैं जबकि टीम भूत को पकड़ने में सक्षम होती है। साइरस के भतीजे आर्थर एक विधुर को साइरस के संपत्ति वकील बेन मॉन्स द्वारा सूचित किया जाता है कि उसे साइरस की हवेली विरासत में मिली है। आर्थिक रूप से असुरक्षित आर्थर अपने दो बच्चों कैथी और बॉबी और उनकी नानी मैगी के साथ वहां जाने का फैसला करता है। जब वे हवेली का दौरा करते हैं तो डेनिस परिवार से मिलता है। निवास पूरी तरह से लैटिन वाक्यांशों के साथ खुदा हुआ कांच की चादर से बना है जिसे डेनिस बाधा मंत्र के रूप में पहचानता है। उसे पता चलता है कि उसने और साइरस पर कब्जा कर लिया। 12 क्रोधित भूत घर में कैद है, मंत्रों द्वारा बंदी बना लिया गया। जैसे कि वह आर्थर को चेतावनी देता है, मॉस अनजाने में एक तंत्र का ट्रिगर करता है जो घर की सील कर देता है और भूतों को छोड़ देता है। वह मर जाता है जबकि स्लाइडिंग दरवाजों के एक सीट ने उसे आधा कर दिया। बॉबी कई भूतों को देखता है जिसमें मुरझाया हुआ प्रेमी भी शामिल है। उसकी माँ जीन जो एक घर में आग लगाने से घायल हो गई थी उसे बेहोश कर घसीटा जाता है। डेनिस वर्क्रामी चश्मे की एक जोड़ी का उपयोग करता है जो पहनने वाले को भूत से बचने के लिए अलौकिक क्षेत्र को देखने की अनुमति देता है। सबसे खतरनाक भूत में से एक सियार
कैथी और आर्थर पर हमला करता है, लेकिन उन्हें क्लीन और तियाज द्वारा बचा लिया जाता है, जो एक आत्मा मुक्तिदाता है जो भूतों को मुक्त करने का प्रयास कर रही है। कैथी गायब हो जाती है और चार वयस्क पुस्तकालय में इकट्ठा होते हैं, जहां आर्थर को पता चलता है कि जीन का भूत भी घर में है। क्लीन बताती है कि घर एक मशीन है जो बंदी भूतों द्वारा संचालित होती है, जो अपने उपयोगकर्ता को भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने की अनुमति देती है। इसे बंद करने का एकमात्र तरीका प्रेम के बलिदान से 13वीं भूत का निर्माण करना है। आर्थर को पता चलता है कि उसे अपने बच्चों को बचाने के लिए भूत बनना होगा। वर्णक्रामी चश्मे से लैस आर्थर और डेनिस बच्चे को खोजने के लिए तहखाने में प्रवेश करते हैं। डेनिस ने आर्थर को अपनी सुरक्षा के लिए एक कांच की चादर के पीछे रोक दिया, लेकिन हैमर और जुगनार्ड दो अन्य खतरनाक भूतों ने पीट पीट कर मार डाला। यह पता चला है कि आर्थर को घर ले जाने के लिए साइरस ने अपनी मौत का नाटक किया था। क्लीना उसका साथी है। जब वह मैगी को एक बड़ी किताब के साथ बेहोश कर देती है और उसके आने पर तुरंत साइरस को चूम लेती है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको 13 घोस्ट्स इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियोस को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 घोस्ट्स मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 5.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे वुडू ने 4.3 आउट ऑफ 5 रेटिंग दिया है और इसे 88% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, 13 घोस्ट, इस मूवी को ऑल्सो 13 घोस्ट के नाम से जाना जाता है और ये 2001 की सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है, जिसे डायरेक्टिंग है स्टीव बिग, स्क्रीन प्ले दिए नील मार्शल स्टीवेंस, रिचर्ड डी ओविडियो और स्टोरी दिए हैं रॉब वाइट, और यह मूवी बेस्ड है 13 घोस्ट जो कि रॉब वाइट की है, और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं रॉबर्ट जेमेस्किस, जोल सिल्वर, गिलबर्ट एडलर, और इस मूवी के स्टारिंग है टोनी सेलहॉब, एम्बेथ डेविडिच, मैथ्यू लिलार्ड, सैनन एलिजाबेथ राह डिगा, एफ मूरी अब्राहम, और इस मूवी में स्क्रीन प्ले दिए हैं गैल टैट्रेशॉल, और इस मूवी को एडिट किए डिर्क जी ब्रिचियन, एडवर्ड ए वॉर्चिल का, और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जॉन फ्रिजेल, और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स, कोलंबिया पिक्चर्स, डार्क कैस्टल इंटरटेनमेंट, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स यूनाइटेड स्टेट्स, कैनेडा, कोलंबिया, ट्री स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल, और ये मूवी 26 अक्टूबर 2001 में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 91 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा की मूवी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बनी है, और इसका बजट $42 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $68.5 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में टोनी सेलहॉब एज आर्थर क्रिटिकोस के रोल में और एम्बेथ डेविडिच एज कैलिन ऑर्टिजा के रोल में और मैथ्यू लिलार्ड एज डेनिस रैफकिन के रोल में और सैनो एलिजाबेथ एज काथिया क्रिटिकोस के रोल में और एलिक रॉबर्ट्स एज बॉबी क्रिटिकोस के रोल में और राह डिगा एज मैगी बीज के रोल में और एफ मूरे अब्राहम एज साइरस क्रिटिकोस के रोल में और जे आर बॉर्नी एज बेन मोस के रोल में और मैथ्यू हैरिसन एज डेमन के रोल में और मिखेल स्पीडेल एज बिली माइकेल्स के रोल में और दी फर्स्ट बॉर्न सन के रोल में और डैनियल वेस्ले एज जिमी द गैम्बलर गैम्बिनो के रोल में, दी टोर्सो के रोल में और लॉरा मिनेल एज सुजैन एल ग्रो के रोल में और दी बाउंड वुमेन के रोल में और कैथरी एंडरसन एज जीन क्रिटिकोस, दी वीदर दर लवर के रोल में और क्रेज ओलजिंक एज रोएका कैल क्लेटोन और दी ट्रोन प्रिंस के रोल में और स्वेन लॉयर एज डैना न्यूमैन के रोल में और दी एंग्री प्रिंसेस के रोल में और एक्सेंथ रैडली एज इसबेला स्मिथ और दी पिलग्रिमेज के रोल में और सी एर्नेस्ट एज हर्थ और हैरोल्ड सिल्बर्नी दी ग्रेट चाइल्ड के रोल में और लॉरा सोफेर एज मार्गरेट सिल्बर्नी और दी डायर मदर के रोल में और हर्बर्ट डुंकैनसन एज जॉर्ज मार्कले और दी हैमर के रोल में और साइन वेलियर एज रैन कुहान और दी जैकेल के रोल में और जॉन दी साइंटिस्ट एज हॉरेक ब्रीकर मैनहोनी और दी
जो ग्रैंड टू के रोल में, और केन क्रिंगजर एज स्टेशन स्टंट परफॉर्मर के रोल में। तो फ्रेंड्स चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैं आपको 13 घोस्ट इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ, पूरी स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स घोस्ट हंटर साइरस क्रिटिकोस और उनके मानसिक सहायक डेनिस रफकिन एक टीम का नेतृत्व करते हैं जो जुगरनॉट नामक एक आत्मा को पकड़ने के लिए एक मिशन पर है। साइरस सहित कई पुरुष मारे जाते हैं जबकि टीम भूत को पकड़ने में सक्षम होती है। साइरस के भतीजे आर्थर एक विधुर को साइरस के संपत्ति वकील बेन मॉन्स द्वारा सूचित किया जाता है कि उसे साइरस की हवेली विरासत में मिली है। आर्थिक रूप से असुरक्षित आर्थर अपने दो बच्चों कैथी और बॉबी और उनकी नानी मैंगी के साथ वहाँ जाने का फैसला करता है। जब वे हवेली का दौरा करते हैं तो डेनिस परिवार से मिलता है। निवास पूरी तरह से लैटिन वाक्यांशों के साथ खुदा हुआ कांच की चादर से बना है जिसे डेनिस बाधा मंत्र के रूप में पहचानता है। उसे पता चलता है कि उसने और साइरस पर कब्जा कर लिया। 12 क्रोधित भूत घर में कैद है, मंत्रों द्वारा बंदी बना लिया गया। जैसे कि वह आर्थर को चेतावनी देता है, मॉस अनजाने में एक तंत्र का ट्रिगर करता है जो घर की सील कर देता है और भूतों को छोड़ देता है। वह मर जाता है जबकि स्लाइडिंग दरवाजों के एक सीट ने उसे आधा कर दिया। बॉबी कई भूतों को देखता है जिसमें मुरझाया हुआ प्रेमी भी शामिल है। उसकी माँ जीन जो एक घर में आग लगाने से घायल हो गई थी उसे बेहोश कर घसीटा जाता है। डेनिस वर्क्रामी चश्मे की एक जोड़ी का उपयोग करता है जो पहनने वाले को भूत से बचने के लिए अलौकिक क्षेत्र को देखने की अनुमति देता है। सबसे खतरनाक भूत में से एक सियार कैथी और आर्थर पर हमला करता है लेकिन उन्हें क्लीन और तियाज द्वारा बचा लिया जाता है जो एक आत्मा मुक्तिदाता है जो भूतों को मुक्त करने का प्रयास कर रही है। कैथी गायब हो जाती है और चार वयस्क पुस्तकालय में इकट्ठा होते हैं जहाँ आर्थर को पता चलता है कि जीन का भूत भी घर में है। क्लीन बताती है कि घर एक मशीन है जो बंदी भूतों द्वारा संचालित होती है जो अपने उपयोगकर्ता को भूत वर्तमान और भविष्य को देखने की अनुमति देती है। इसे बंद करने का एकमात्र तरीका प्रेम के बलिदान से 13वीं भूत का निर्माण करना है। आर्थर को पता चलता है कि उसे अपने बच्चों को बचाने के लिए भूत बनना होगा। वर्णक्रामी चश्मे से लैस आर्थर और डेनिस बच्चे को खोजने के लिए तहखाने में प्रवेश करते हैं। डेनिस ने आर्थर को अपनी सुरक्षा के लिए एक कांच की चादर के पीछे रोक दिया लेकिन हैमर और जुगनाट दो अन्य खतरनाक भूतों ने पीट पीट कर मार डाला। यह पता चला है कि आर्थर को घर ले जाने के लिए साइरस ने अपनी मौत का नाटक किया था। क्लीना उसका साथी है। जब वह मैगी को एक बड़ी किताब के साथ बेहोश कर देती है और उसके आने पर तुरंत साइरस को चूम लेती है। तो फ्रेंड्स आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको 13 घोस्ट्स इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियोस को देखते रहें। हे फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 घोस्ट्स मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स इस मूवी को IMDb ने 5.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे वुडू ने 4.3 आउट ऑफ 5 रेटिंग दिया है और इसे 88% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स 13 घोस्ट इस मूवी को ऑल्सो 13 घोस्ट के नाम से जाना जाता है और ये 2001 की सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है जिसे डायरेक्टिंग है स्टीव बीग, स्क्रीन प्ले दिए नील मार्शल स्टीवेंस, रिचर्ड डी ओविडियो और स्टोरी दिए हैं रॉब वाइट और यह मूवी बेस्ड है 13 घोस्ट जो कि रॉब वाइट की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं रॉबर्ट जेमेस्किस, जोल सिल्वर, गिलबर्ट एडलर और इस मूवी के स्टारिंग है टोनी सेल हॉब, एम्बेथ डेविडिच, मैथ्यू लीलार्ड, सैनोन एलिजाबेथ, राह डिगा, एफ मूरी अब्राहम और इस मूवी में स्क्रीन प्ले दिए हैं गैल टैट्रेशॉल और इस मूवी को एडिट किए डिर्क जी ब्रिचेन, एडवर्ड ए वॉर्चिल का और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जॉन फ्रिजेल और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स, कोलंबिया पिक्चर्स, डार्क कैस्टल इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स, यूनाइटेड स्टेट्स, कैनेडा, कोलंबिया, ट्री स्टार फिल्म,
डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल इंटरनेशनल। और ये मूवी 26 अक्टूबर 2001 में रिलीज़ हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 91 मिनट्स। और ये यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा की मूवी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बनी है। और इसका बजट $42 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $68.5 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हम इस मूवी में टोनी सालोहब एज आर्थुर क्रिटिकोस के रोल में और एम्बिथ डेविड्स एज कैलिन ऑर्टिजा के रोल में और मैथ्यू लिलॉर्ड एज डेनिस रैफकिन के रोल में और सैनो एलिजाबेथ एज काथिया क्रिटिकोस के रोल में और एलिक रॉबर्ट्स एज बॉबी क्रिटिकोस के रोल में और रह डीगा एज मैगी बीज के रोल में और एफ मूरे अब्राहम एज साइरस क्रिटिकोस के रोल में और जे आर बॉर्नी एज बेन मोस के रोल में और मैथ्यू हैरिसन एज डेमन के रोल में और मिखेल स्पीडेल एज बिली माइकेल्स के रोल में और द फर्स्ट बॉर्न सन के रोल में और डैनियल वेस्ले एज जिमी द गैम्बलर गैम्बिनो के रोल में द टोर्सो के रोल में और लॉरा मिनेल एज सुजैन एल ग्रो के रोल में और द बाउंड वुमन के रोल में और कैथरी एंडरसन एज जीन क्रिटिकोस द वीदर दर लवर के रोल में और क्रेज ऑलजिंक एज रोएका कैल क्लेटोन और दी ट्रोन प्रिंस के रोल में और स्वेन लॉयर एज डैना न्यूमैन के रोल में और दी एंग्री प्रिंसेस के रोल में और एक्सथेंथ रैडली एज इसबेला स्मिथ और दी पिलग्रिमेज के रोल में और सी एर्नेस्ट एज हर्थ और हैरोल्ड सिलबर्नी द ग्रेट चाइल्ड के रोल में और लॉरा सोफेर एज मार्गरेट सिलबर्नी और दी डायर मदर के रोल में और हर्बर्ट डुंकैनसन एज जॉर्ज मार्कले और दी हैमर के रोल में और साइन वेलियर एज रैन कुहान और दी जैकेल के रोल में और जॉन दी साइंटिस्ट एज हॉरेक ब्रीकर मैनहोनी और दी ट्यू ग्रैंड टू के रोल में और केन क्रिंगजर एज स्टेशन स्टंट परफॉर्मर के रोल में। तो फ्रेंड्स चलिए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको 13 घोस्ट इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ। पूरी स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स घोस्ट हंटर साइरस क्रिटिकोस और उनके मानसिक सहायक डेनिस रफकिन एक टीम का नेतृत्व करते हैं जो जुगरनाट नामक एक आत्मा को पकड़ने के लिए एक मिशन पर है। साइरस सहित कई पुरुष मारे जाते हैं जबकि टीम भूत को पकड़ने में सक्षम होती है। साइरस के भतीजे आर्थर एक विधुर को साइरस के संपत्ति वकील बेन मॉन्स द्वारा सूचित किया जाता है कि उसे साइरस की हवेली विरासत में मिली है। आर्थिक रूप से असुरक्षित आर्थर अपने दो बच्चों कैथी और बॉबी और उनकी नानी मैगी के साथ वहां जाने का फैसला करता है। जब वे हवेली का दौरा करते हैं तो डेनिस परिवार से मिलता है। निवास पूरी तरह से लैटिन वाक्यांशों के साथ खुदा हुआ कांच की चादर से बना है जिसे डेनिस बाधा मंत्र के रूप में पहचानता है। उसे पता चलता है कि उसने और साइरस पर कब्जा कर लिया। 12 क्रोधित भूत घर में कैद है, मंत्रों द्वारा बंदी बना लिया गया। जैसे कि वह आर्थर को चेतावनी देता है, मॉस अनजाने में एक तंत्र का ट्रिगर करता है जो घर की सील कर देता है और भूतों को छोड़ देता है। वह मर जाता है जबकि स्लाइडिंग दरवाजों के एक सीट ने उसे आधा कर दिया। बॉबी कई भूतों को देखता है जिसमें मुरझाया हुआ प्रेमी भी शामिल है। उसकी माँ जीन जो एक घर में आग लगाने से घायल हो गई थी उसे बेहोश कर घसीटा जाता है। डेनिस वर्कामी चश्मे की एक जोड़ी का उपयोग करता है जो पहनने वाले को भूत से बचने के लिए अलौकिक क्षेत्र को देखने की अनुमति देता है। सबसे खतरनाक भूत में से एक सियार कैथी और आर्थर पर हमला करता है लेकिन उन्हें क्लीन और तियाज द्वारा बचा लिया जाता है जो एक आत्मा मुक्तिदाता है जो भूतों को मुक्त करने का प्रयास कर रही है। कैथी गायब हो जाती है और चार वयस्क पुस्तकालय में इकट्ठा होते हैं जहां आर्थर को पता चलता है कि जीन का भूत भी घर में है। क्लीन बताती है कि घर एक मशीन है जो बंदी भूतों द्वारा संचालित होती है जो अपने उपयोगकर्ता को भूत वर्तमान और भविष्य को देखने की अनुमति देती है। इसे बंद करने का एकमात्र तरीका प्रेम के बलिदान से 13वीं भूत का निर्माण करना है। आर्थर को पता चलता है कि उसे अपने बच्चों को बचाने के लिए भूत बनना होगा। वर्णक्रामी चश्मे से लैस आर्थर और डेनिस बच्चे को खोजने के लिए तहखाने में प्रवेश करते हैं। डेनिस ने आर्थर को अपनी सुरक्षा के लिए एक कांच की चादर के पीछे रोक दिया लेकिन हैमर और जुगनार्ड दो अन्य खतरनाक भूतों ने पीट पीट कर मार डाला।
यह पता चला है कि ऑर्थर को घर ले जाने के लिए साइरस ने अपनी मौत का नाटक किया था। क्लीना उसका साथी है। जब वह मैगी को एक बड़ी किताब के साथ बेहोश कर देती है और उसके आने पर तुरंत साइरस को चूम लेती है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको 13 घोस्ट्स इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियोस को देखते रहें।